स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के बाद अगर कोई टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है तो देखना, तीन टॉपिक्स मैं बोलता हूँ कि मतलब तुम्हारे इंटर ऑडिट के अंदर तीन टॉपिक्स जो जान है, एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के एरिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के एरिया से कम तुमको 25 नंबर तक का तो वेटेज दिखने वाला है। उसके बाद एक पार्टिकुलर चैप्टर आता है ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिट रिपोर्ट का जो चैप्टर है, ठीक है, जो ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है, तो ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर से अगेन तुमको एक वेटेज दिखने वाला है अराउंड 10 मार्क का। और तीसरा जो चैप्टर जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका एक 14 से 15 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। तो मतलब तुम मान लो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर, ठीक है, ये तीन टॉपिक से क्यूमुलेटिवली तुमको वेटेज दिखने वाला है एटलीस्ट 50 मार्क्स, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर जो इन तीन टॉपिक से आने वाला है, इन तीन एरियाज से आने वाला है। तो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो चैप्टर अपना, दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम ये समझ लो ये चैप्टर सबसे आसान भी है और ये चैप्टर सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड इट इज द मोस्ट टेक्निकल एट द सेम टाइम। जिन बच्चों को जो ग्रुप वन के कॉन्सेप्ट हैं लॉ के और अकाउंट्स के, वो सारा याद है और ओवरऑल ऑडिट की तैयारी भी अच्छे तरीके से करी हुई है, उनके लिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा आसान है, वेरी इजी। और जिन लोगों को अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो याद नहीं है, ग्रुप वन पहले कर लिया था, कॉन्सेप्ट याद नहीं है ग्रुप वन का, लॉ के कॉन्सेप्ट याद नहीं है और ऑडिटिंग की तैयारी भी हवा में हो रखी है, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की तैयारी, कारों की तैयारी भी हवा में हो रखी है, तो उनके लिए ये टॉपिक मुश्किल है। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि ये चैप्टर तुम समझ सकते हो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होने वाला है ऑन द नॉलेज यू हैव गैदर्ड इन अकाउंट्स, ऑन द नॉलेज यू हैव गैदर्ड इन लॉ, ऑन द नॉलेज यू हैव गैदर्ड इन योर ऑडिटिंग सब्जेक्ट सो फार, एंड फाइनली ऑन योर कॉमन सेंस। तो ये जो पार्टिकुलर चैप्टर है ये चार चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है। कौन से चार चीज़ें? अकाउंट्स की नॉलेज, लॉ की नॉलेज, अभी तक तुमने जो ऑडिट किया है उन ऑडिट एप्लीकेशंस की नॉलेज, और फाइनली कॉमन सेंस, ठीक है। अब ये चैप्टर मुश्किल क्यों है, ये चैप्टर टेक्निकल क्यों है, क्योंकि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाउ जस्ट इमेजिन कि देर आर सो मैनी आइटम्स इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम अकाउंट बैलेंस को इमेजिन करो, बैलेंस शीट को इमेजिन करो, तो इतने सारे आइटम्स हैं। तुम पी एंड एल को इमेजिन करो तो इतने सारे आइटम्स हैं, ठीक है। तो एक तो आइटम्स को इमेजिन करो, और दूसरी चीज अजर्शंस को इमेजिन करो। एक आइटम को इमेजिन करो कि बैलेंस शीट में कितने आइटम्स हैं, पी एंड एल में कितना आइटम है, और दूसरा किस चीज को इमेजिन करो, अजर्शन को। अजर्शन क्या था, याद है ना, अजर्शन का कॉन्सेप्ट जो आपने देखा था कि अकाउंट बैलेंस को लेकर अलग अजर्शन होते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर अलग अजर्शन होते हैं। दोबारा से रिवाइज कराऊंगा वो टॉपिक में, कि अकाउंट बैलेंस को लेकर अलग एजर्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने को कंप्लीटनेस वेरीफाई करना होता है, अपने को एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना होता है, अपने को राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वेरीफाई करना होता है, अपने को वैल्यूएशन वेरीफाई करना होता है। अगर हम अकाउंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में भी अपने अलग एजर्शन होते हैं, वहाँ पर अपने को कंप्लीटनेस वहाँ भी वेरीफाई करना होता है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वहाँ भी वेरीफाई करना होता है, वहां अपने को ऑकरेंस वेरीफाई करना पड़ता है। तो याद है इस तरीके से अजर्शन का टॉपिक डिस्कस किया था, दोबारा से देखेंगे अभी। तो सोच के देखो, इतने सारे बैलेंस शीट आइटम है और इतना सारा अजर्शन है। अब इस पार्टिकुलर चैप्टर में क्या होता है कि वो आपसे कोई भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा लेगा, कोई भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा लेगा। वो बैलेंस शीट का कोई भी आइटम हो सकता है, वो पी एंड एल का कोई भी आइटम हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनी आइटम ऑफ बैलेंस शीट, इट कैन बी एनी आइटम ऑफ पी एंड एल। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट में से मान लो लेट अस से लोन्स उठा लिया, बोरिंग्स उठा लिया, पी एंड एल में से मान लो ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर उठा लिया, कुछ भी उठा लिया। तो पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले कोई भी आइटम उठा लेगा बैलेंस शीट का या पी एंड एल का, और फिर एक एजर्शन सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो लेट अस एक पी एंड एल आइटम है, तो एक पी एंड एल आइटम है ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे एजर्शन हो सकते हैं, कंप्लीटनेस हो सकता है, वैल्यूएशन हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, काफ़ी सारे एजर्शन हो सकते हैं। तो वो आपसे पूछेगा इस पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग, मान लो ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, अगर आपने कंप्लीटनेस चेक करनी है तो आप कैसे चेक करोगे? शेयर कैपिटल का अगर आपने प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे? समझ रहे हो?
अगर आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? कंपनी ने कोई एसेट मान लो लेटर से प्लेज किया हुआ है, आपको उस इंफॉर्मेशन की, आपको उस एसेट की एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है, आप कैसे चेक करोगे? मतलब वो कोई भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लेगा और साथ में एक अजर्शन भी उठा लेगा। अब अल्टीमेटली हमारा मेन ऑडिट प्रोसीजर होता क्या है? यही तो होता है, चेकिंग द अजर्शंस, वेरीफाइंग द अजर्शंस बाय अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। यही तो करते हो ना कि वी परफॉर्म आर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड वी वेरीफाई द अजर्शंस एग्जिस्टिंग एट द अकाउंट बैलेंस लेवल और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल और डिस्क्लोजर लेवल। यही तो अपना मेन ऑडिट का मेन कॉन्सेप्ट है। तो आपने पार्टिकुलरली किसी भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कौन सा assertion किस तरीके से चेक करना है, वही इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, समझ रहे हो? तो ये चैप्टर टेक्निकल इसलिए है क्योंकि यार इतना सारा आइटम है, इतने सारे assertion है, तो वो किसी भी आइटम के ऊपर कोई भी assertion पूछ लेगा तुमसे, तो प्रैक्टिकली बॉस रटना तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप सोचोगे सब कुछ रट लोगे, रटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। और इसलिए मार्क्स भी नहीं आता क्योंकि इतना सारा आइटम है, इतना सारा assertion है, वो किसी भी आइटम के रिगार्डिंग एकदम सा assertion पूछेगा, ब्लैंक हो जाओगे, अरे क्या था, इतना सारा याद किया था, क्या है? तो वहां पे क्या होगा, फिर एकदम ब्लैंक हो जाओगे आप, तो मार्क्स नहीं आता, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जितना हो सके आई विल मेक इट श्योर कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए सबसे आसान हो जाए, ये चैप्टर तुम्हारे लिए सबसे ईजी हो जाए, दिस ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इसमें अपन फुल फ्लैजेड मार्क्स सिक्योर करें। सबसे पहले मैं एक बेस तैयार कराऊंगा तुमको, सबसे पहले एक बेस तैयार करेंगे हम लोग कि भाई अगर मान लो तुमको कोई चीज याद नहीं भी है तब भी तुम किस तरीके से अपने माइंड के एप्लीकेशन को यूज करके किस तरीके से तुम कुछ लिख के आ सको कि भाई तुमको नहीं भी आता और कोई क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो तुम एटलीस्ट कुछ तो लिख के आ सको, ऐसा नहीं है कि तुम ब्लैंक हो जाओ, और जो कुछ लिख के आ सको वो अच्छा लिख के आ सको, ऐसा नहीं कि टाइम पास मार के आ रहे हो। तो यू कैन राइट समथिंग एंड जो समथिंग तुम लिख रहे हो यू कैन गिव क्वालिटी इन दैट। तो पहले अपन वो बेस तैयार करेंगे और उसके बाद अपन स्पेसिफिक आइटम बाय आइटम जाएंगे कि एक एक करके जो आइटम बाय आइटम है, और आइटम बाय आइटम में भी सिंपल सा अप्रोच रहेगा, एकदम सिंपल सा अप्रोच रहेगा। कुछ चीजें हम जनरली फ्रेम करेंगे, अभी कुछ कॉमन चीजें फ्रेम करेंगे, जनरली फ्रेम करेंगे, एक बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे कि कोई भी टॉपिक आ गया तो कुछ तो लिख पाओ, और फिर आइटम बाय आइटम जाना है, और फिर बाय आइटम बाय आइटम क्या क्या चीजें रटनी है, कितनी रटनी है, कितना याद करना है, कितना साथ साथ याद कर सकते हैं, वो मैं तुमको कराते जाऊंगा। और अपना हर आइटम में फंडा सेम रहेगा कि आधी चीजें याद हो जाए और आधी चीजें अपन अपने उस जनरल डिस्कशन के बेसिस में लिख लें। अगर तुम सोचोगे कि हर आइटम के रिगार्डिंग 100% चीजें मैं याद ही कर लूं तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आधी चीजें याद हो जाए जो मॉड्यूल में दिया है उस हिसाब से, और आधी चीजें हमने जो कॉमन प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, हमने जो एक बेस बनाया है, एक फाउंडेशन बनाया है, उस हिसाब से एक अच्छा आंसर डेवलप कर पाए। ताकि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कि देखो क्वेश्चंस ना तीन प्रकार के आ सकते हैं, एक आ सकता है एमसीक्यू बेस्ड, एक आ सकता है करेक्ट इनकरेक्ट बेस्ड। तो जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो करेक्ट इनकरेक्ट बेस्ड होगा, वो तो 90% आप आराम से क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट करके आ पाओगे। और जो डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें अगर चार नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट, अगर देखो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने सिलेक्ट किया था, मार्क किया था, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, हमने सारे पॉइंट्स याद किए थे, तब तो हो सकता है चार में चार भी ले आओगे। बट अगर कोई अजीब अटपटा क्वेश्चन भी आ गया तो कम से कम चार में से दो नंबर तो वहां पे आ ही जाएंगे। सो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ठीक है, बट अगेन तुमको बता रहा हूं इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर इट इज नॉट ओनली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ योर ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑफ द शेड्यूल थ्री प्रिंसिपल्स, ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ कंपनी लॉ। अगर वो चीजें आपको याद हैं, और ऑडिट में हमने जो स्टैंडर्ड्स पढ़ा है, जो कारो पढ़ा है, जो कंपनी ऑडिट का डिस्कशन करा है, वो चीजें भी याद हैं, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है। आपको सिर्फ कुछ चीजें याद करनी होंगी, आप देखोगे रेस्ट ऑल द चैप्टर इज शॉर्टेड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है assertion का टॉपिक, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी क्वेश्चन आएगा ना वो assertion के ऊपर आएगा। एनी क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम ऑन assertion। तो assertion वाला टॉपिक तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए।
तो assertion के बारे में तुम देखो पूरे क्लास के अंदर मैंने कम से कम 3 से 4 बार डिस्कशन किया हुआ है कि assertion क्या होता है, कौन कौन से assertions वेरीफाई करने होते हैं। एक दोबारा से आज फाइनल टाइम डिस्कशन करने जा रहा हूं, ठीक है? इस बार थोड़ा सा और ज्यादा इलाबरेटेड मैनर में डिस्कशन करने जा रहा हूं। जितने टेक्निकल टॉपिक्स होंगे ना इस चैप्टर के, उतने टॉपिक्स अपन साथ साथ समझेंगे भी और साथ साथ इसके नोट भी बनाएंगे, ताकि क्या होगा कि एक बार समझ लोगे, एक बार नोट बना लोगे, हाथ से लिख लोगे, तो थोड़ा बहुत रिटेंशन वहां इंक्रीज हो जाएगा। फिर घर जाके वॉइस क्लिप सुन लोगे तो साथ साथ थोड़ा बहुत रिटेंशन वहां पे आ जाएगा। और प्लस क्या होगा, इस पार्टिकुलर चैप्टर में एटलीस्ट जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं उसके अपन नोट बना के चलेंगे, क्योंकि उन टॉपिक्स को मॉड्यूल से रिवाइज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है? तो assertions का मतलब क्या था? What do we mean by assertions? Assertion का मतलब आपको मैंने अच्छे से समझाया था। What do we mean by assertion? तो देखो assertions का जो कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो साथ साथ समझोगे साथ साथ लिख लोगे, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने बहुत बार डिस्कस किया है। तो assertion का मतलब क्या था? रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट दे रहा है embodied in the financial statement। assertion का क्या मतलब बताया था आपको मैंने? रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट embodied in the financial statement। assertion का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी कुछ रिकॉर्ड हुआ है ना, जो भी कुछ रिकॉर्ड हुआ है वो सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, वो अपने आप में एक लैंग्वेज है, वो अपने आप में एक भाषा है। एवरी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टॉकिंग विथ यू, वो तुमसे बात कर रहा है। अब किस तरीके से बात कर रहा है भाई? मान लो ट्रेड रिसीवेबल है, तो जैसे ही तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेड रिसीवेबल को देखोगे, जस्ट इमेजिन कि ट्रेड रिसीवेबल एक आदमी है जो खड़ा है तुम्हारे सामने और वो तुमसे बात कर रहा है। जैसे ही तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखोगे बैलेंस शीट में, जस्ट इमेजिन कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक आदमी है और वो तुमसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहां पे पीपीई 10 करोड़। क्या लिखा हुआ है? पीपीई 10 करोड़। तो वो पीपीई एक आदमी है, वो आदमी बनकर खड़ा हो गया, मैं पीपीई हूं, और वो तुमसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कुछ चीजें। अब देखो वो जो कहेगा ना तुमसे, वो जो तुमसे assertion देगा ना, वो जो तुमको representation देगा ना, कुछ चीजें होंगी explicit। explicit मतलब clear cut manner में already लिखा है, उसमें कोई doubt ही नहीं है, अपने को एकदम समझ में आता है, इजिली समझ में आता है। और एक होता है implicit। implicit मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा बट कोई भी समझदार आदमी समझ जाएगा। डायरेक्टली नहीं लिखा बट कोई भी समझदार आदमी समझ जाएगा, ठीक है ना? वो होता है इम्प्लिसिट, नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड, नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तुम लोग आज क्लास में बैठे हो। अब जब तुम लोग आज इस क्लास में बैठे हो, तुम लोग जैसे ही क्लास में बैठे हो, मैं कुछ अजम्पशन ड्रॉ कर सकता हूं। आई कैन सडनली ड्रॉ सम अजम्पशन। मेरा क्या अजम्पशन रहेगा? तुम सीए के स्टूडेंट हो। किसके स्टूडेंट हो? सीए के स्टूडेंट हो। कहां बोला सर? हमने तो बोला नहीं हम सीए के स्टूडेंट हैं, हम तो खाली क्लास में हम बैठे हैं, बट इंप्लाइड assertion है, समझ में आ रहा है तुम सीए के स्टूडेंट हो। उसमें भी तुम सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, उसमें भी तुम अपने ग्रुप टू के एग्जाम्स देने वाले हो, तुमने ऑडिट का क्लासेस एनरोल कराया है मुझसे, तुमने ऑडिट की फीस जाके इंस्टीट्यूट में पे करी है। अब तुमने तो बोली नहीं ना मुझे ये सारी चीजें, लेकिन मुझे समझ आ रहा है, इंप्लाइड assertion है। क्या है? इंप्लाइड assertion है। तो कुछ चीजें होती है इंप्लाइड, जैसे वो पीपीई है, तो पीपीई में लिखा हुआ ₹10 करोड़, तो वो तो एक्सप्लिसिट assertion है कि पीपीई का वैल्यूएशन 10 करोड़ है, बट पीपीई क्या बोल रहा है? मैं कंपनी का हूं। किसका हूं? मैं कंपनी का हूं, आई बिलोंग टू द कंपनी। अब कहां लिखा है? इंप्लाइड assertion है, आई बिलोंग टू द कंपनी। जो भी पीपीई है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कंपनी के जो भी पीपीई है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहां लिखा है? इंप्लाइड है। तो एक्सप्लिसिट assertion हो सकता है, इंप्लाइड assertion हो सकता है, इनफैक्ट पॉजिटिव assertion भी होता है, नेगेटिव assertion भी होता है। नॉर्मली तुम पॉजिटिव assertion समझते हो, बट नेगेटिव assertion भी होता है, ठीक है? पॉजिटिव assertion मतलब जो एक पॉजिटिव पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है, और नेगेटिव पिक्चर मतलब जो कि नेगेटिव टर्म डिनोट कर रहा है, जो एक नेगेटिव चीज नेगेटिव वे में जो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है चीजों को। व्हाट इट इज डूइंग इज नेगेटिव वे में चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल वहां पे लिखा हुआ है, लेट अस से डेटर्स नील,
क्या लिख दिया, डेटर्स निल। वो एक नेगेटिवली एक्सप्रेस रिजर्शन है कि नेगेटिव में बता रहे हैं, नहीं भी लिखते तो समझ में आता। तो पॉजिटिव assertion है, नेगेटिव assertion है, मेनली आपको याद रखना होता है explicit assertion, implied assertion, कि explicit assertion भी हो सकता है, implied assertion भी हो सकता है, ठीक है? और assertion का मतलब क्या होता है? Representation made by the management embodied in the financial statements. अब कुछ assertions common होते हैं, some common audit assertions, ठीक है? जिसको याद करने का फॉर्मूला बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप याद रखोगे, कॉमन ऑडिट assertions, MP cover. कुल मिला के जो assertion है यही है, इन्हीं assertion में से अकाउंट बैलेंस में कुछ जाएगा, कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में जाएगा, कुछ डिस्क्लोजर में जाएगा, लेकिन कुल मिला के जो कॉमन assertion है यही है, कुल मिला के जो टोटल assertion है यही है, कॉमन assertion, MP cover. क्या है? साथ साथ रिपीट करना, कॉमन assertion क्या है? MP cover. क्या है? MP cover. What is MP cover? M for measurement. M का क्या मतलब हो गया? Measurement. M का मतलब हो गया measurement. P का मतलब हो गया presentation and disclosure. P का मतलब हो गया presentation and disclosure. C का मतलब हो गया completeness. C का क्या मतलब हो गया? Completeness. O का मतलब हो गया occurrence. O का मतलब हो गया occurrence. V का मतलब हो गया valuation. V का मतलब हो गया valuation. E का मतलब हो गया एग्जिस्टेंस. क्या हो गया? एग्जिस्टेंस. E का मतलब हो गया एग्जिस्टेंस. और R का मतलब हो गया राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. तो कॉमन assertions, MP cover, कॉमन assertions, MP cover. MP cover क्या है? M for measurement, P for presentation and disclosure, C for completeness, O for occurrence, V for valuation, E for existence, R for rights and obligation. ठीक है, अब measurement का मतलब क्या होता है? Measurement मतलब normally, अब ये जो assertion है measurement, ये जो assertion है measurement, तुम सोचो, logically सोचो और मुझे बताओ, ये जो assertion है measurement, ये account balance के लिए होगा या class of transaction के लिए होगा या दोनों के लिए होगा? अब measurement, तुम कभी भी कोई asset के लिए word use नहीं करते हो measurement. तुम कोई एसेट के लिए या लायबिलिटी के लिए वर्ड यूज करते हो वैल्यूएशन. क्या यूज करते हो? वैल्यूएशन. तो ये जो assertion है पार्टिकुलरली मेजरमेंट, ये किसके लिए होगा? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होगा. ये जो assertion है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होगा, या डिस्क्लोजर के लिए भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए भी हो सकता है, अगर वो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का है. ठीक है, तो मेजरमेंट. और मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉपर अमाउंट में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं. मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉपर अमाउंट में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, उसको सही तरीके से मेजर किया गया है या नहीं. पी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर प्रॉपर है कि नहीं है. तो अपने को यहां पर देखना होता है कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और अगर इंड एएस एप्लीकेबल है तो इंड एएस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है. अब देखो शेड्यूल 3 तुमने पढ़ा है, शेड्यूल 3 में ढेर सारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो वो किसी भी एसेट का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछ लेगा. वो ऑडिट का पार्ट ही नहीं है, वो शेड्यूल 3 का पार्ट है, बट वो तुमसे ऑडिट में पूछ लेगा. इसलिए वो शेड्यूल 3 वाले डिस्क्लोजर्स तुमको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि वो अकाउंट्स में भी काम आना है और वो ऑडिट में भी काम आना है. उसके बाद सी फॉर कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुआ है, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन छूटा तो नहीं है, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो कंप्लीट है. मतलब ना अंडर स्टेटमेंट है ना ओवर स्टेटमेंट है, ना अंडर स्टेटमेंट है ना ओवर स्टेटमेंट है. अब ये जो कंप्लीटनेस है और ये जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है, ये लॉजिकली सोचो ये किसमें लगेगा? दोनों में लगेगा, अकाउंट बैलेंस में भी लगेगा और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में भी लगेगा. दोनों के लिए प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर आप यूज करोगे और दोनों के लिए आप कंप्लीटनेस यूज करोगे, वेदर ऑल द एक्सपेंसेस आर कंप्लीट, वेदर ऑल द इनकम्स आर कंप्लीट, whether the asset figure that is complete, whether all the assets have been included, all additions relations have been considered, whether the liabilities figure is complete. उसके बाद होता है O for occurrence. Occurrence का क्या मतलब हो गया? कोई transaction हुआ या
नहीं हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, वेदर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज एक्चुअली ऑकर्ड, यानी कोई ओमिशन तो नहीं है, कहीं कोई ओमिशन तो नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन छूटा तो नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन छूटा तो नहीं है, तो वो होता है ऑकरेंस। अब ये जो ऑकरेंस वर्ड यूज होगा, ये जो ऑकरेंस वर्ड यूज होगा, ये किसके लिए यूज होता है? तुम ऐसा बोलते हो कि एसेट ऑकर हुआ क्या, लायबिलिटी ऑकर हुआ क्या, नहीं बोलते हो ना? तो ये जो एजर्शन होगा ये किसके लिए होगा? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होगा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होगा, ठीक है। फिर होता है वैल्युएशन, फिर होता है वैल्युएशन कि हम ये देखेंगे भाई वैल्युएशन प्रॉपर है कि नहीं है, वेदर द वैल्युएशन इज प्रॉपर, तो वैल्युएशन प्रॉपर है या नहीं है, तो वैल्युएशन प्रॉपर है या नहीं है, मतलब ए एस के हिसाब से है कि नहीं, शेड्यूल 3 के हिसाब से है कि नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से है कि नहीं, वैल्युएशन प्रॉपर है कि नहीं है। तो अब वैल्युएशन की बात करें कि वैल्युएशन प्रॉपर है कि नहीं है, ये असर्शन किसके लिए होगा? अकाउंट बैलेंस के लिए होगा, लॉजिकल सी चीज है, अकाउंट बैलेंस के लिए होगा। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए मेजरमेंट यूज होगा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए मेजरमेंट यूज होगा, और अकाउंट बैलेंस के लिए वैल्युएशन यूज होगा। तो असर्शन तो यही सारे होंगे, इसी में क्लासिफाई होगा कि अकाउंट बैलेंस के लिए कौन सा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा। फिर उसके बाद आता है ई फॉर एग्जिस्टेंस, ई से आता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस देखते हैं हम लोग नॉर्मली ऑन द बैलेंस शीट डेट, कब देखते हैं? ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। ई से आता है एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस देखते हैं हम लोग ऑन द बैलेंस शीट डेट। अब एग्जिस्टेंस कौन से पार्टिकुलर उसके लिए है? अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस अकाउंट बैलेंस के लिए होता है, और ऑकरेंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होता है। एग्जिस्टेंस इज फॉर अकाउंट बैलेंस एंड ऑकरेंस इज फॉर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। और फिर आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कि वेदर दैट पार्टिकुलर एसेट दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू द एंटिटी। अगर लायबिलिटी रिकॉर्ड की गई है तो वेदर दैट पार्टिकुलर लायबिलिटी एक्चुअली बिलोंग्स टू द कंपनी, ठीक है, वो होता है लायबिलिटी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो यहां भी क्या लगेगा? अकाउंट बैलेंस। ये किसके लिए देखेंगे? अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के अजर्शन यही रहेगा एमपी कवर, और इसी से आगे स्प्लिट होगा मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, कंप्लीटनेस, ऑकरेंस, वैल्युएशन, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब अगर अजर्शंस की बात करें, तो अजर्शंस नॉर्मली किसके लिए होता है? अकाउंट बैलेंसेस के लिए, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, और डिस्क्लोजर के लिए। अजर्शन 3 लेवल्स पे देखा जाता है, अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। अब लॉजिकली सोचो, अकाउंट बैलेंसेस की बात करें, अब जो एजर्शन होगा एमपी कवर में से ही होगा, एमपी कवर के बाहर कुछ नहीं होगा, एमपी कवर यूनिवर्स है एजर्शन का, जो होना है उससे ही होना है। अब एमपी कवर में से अगर हम लोग अकाउंट बैलेंस के लिए एजर्शन फिल्टर आउट करें, तो अब लॉजिकली सोचो, एमपी कवर, इसमें एम हट जाएगा, पी रहेगा, सी रहेगा, ओ हट जाएगा, वी रहेगा, ई रहेगा, आर रहेगा, ठीक है ना, वी रहेगा, ई रहेगा, आर रहेगा, सिंपल सी चीज है। तो इसी में से निकल गया कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्युएशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो अगेन यहां पे एम रहेगा, पी रहेगा, सी रहेगा कंप्लीटनेस, ऑकरेंस रहेगा, ठीक है, ऑकरेंस रहेगा, वी आर हट जाएगा, ठीक है, वी आर हट जाएगा। तो यहां क्या रह गया? कंप्लीटनेस, ऑकरेंस, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। ऑकरेंस आप जब भी देखते हो ड्यूरिंग द ईयर देखते हो, और अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें वो कब देखते हो? बैलेंस शीट डेट में देखते हो, ठीक है। अब एक आपको टर्मिनोलॉजी याद है, हमने यूज किया था कट ऑफ प्रोसीजर्स, ऑडिटर परफॉर्म करता है कट ऑफ प्रोसीजर्स। कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या था? कट ऑफ प्रोसीजर्स मतलब क्या था? कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब होता है कि आप कट ऑफ के डेट के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को सेग्रीगेट कर देते हो दो फाइनेंशियल ईयर में, कि 31 मार्च, अगर मान लो 31 मार्च 2024 अगर वो हमारा कट ऑफ डेट है, तो वो डेट हमारा कट ऑफ पॉइंट हो गया। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का जो ट्रांजैक्शन है वो एक फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा,
और 1 अप्रैल 2024 से लेकर अनदर 31 मार्च 2025 तक का ट्रांजेक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, वो क्या होता है कट ऑफ। ठीक है, वो क्या होता है कट ऑफ। अब एज ए ऑडिटर हम कट ऑफ प्रोसीजर्स क्यों लगाते थे कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं कि कोई पता चला कि पिछले साल का ट्रांजैक्शन इस साल में इंक्लूड किया, या पता चला कि कोई परचेज जो इस साल हुई है हमने इस साल रिकॉर्ड नहीं करके अगले साल शिफ्ट कर दी, या कोई पार्टिकुलर परचेज जो अगले साल हुई है हमने इस साल दिखा दिया तो हमने ट्रांजैक्शन को आगे पीछे कर दिया। हमने ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर क्या करेगा इसके लिए, वो जो ईयर एंड के ट्रांजैक्शंस उनको एग्जामिन करेगा, ईयर एंड के जो ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब 31 मार्च के जो आसपास के ट्रांजैक्शंस हैं नॉर्मली उसे एग्जामिन करेगा, क्योंकि सारा हेरा फेरी वहीं होना है। कि हो सकता है कि वो क्या करे कि आखिरी के जो 5 दिन के परचेजेस हैं या आखिरी के 5 दिन के सेल्स हैं उन 5 दिन के सेल्स को यहां नहीं दिखाकर 5 दिन बाद दिखा दिया। अब वहां पे क्या होता है, प्रैक्टिकली कंपनी ने उस सेल्स के रिकॉग्निशन को सिर्फ 5 दिन से शिफ्ट किया। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है सिर्फ 5 दिन से शिफ्ट किया, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया कि उस पूरे अकाउंटिंग ईयर का जो प्रॉफिट है रेवेन्यू में अंडरस्टेट हो गया। यह लैड से कुछ परचेजेस जो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक हुए थे कंपनी ने उन परचेजेस को भी टान कर मार्च में दिखा दिया कि वो परचेजिंग हमने 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक नहीं करी थी, हमने 26 मार्च से 31 मार्च तक करी थी। तो उसकी वजह से कंपनी ने क्या कर दिया, फिर से अपने रेवेन्यू को अंडरस्टेट कर दिया। तो इस रिस्क को हटाने के लिए ऑडिटर क्या करता है, कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है नियर द बैलेंस शीट डेट। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कट ऑफ प्रोसीजर्स का, तुम लॉजिकली सोचो और बताओ कि कट ऑफ प्रोसीजर्स जब ऑडिटर परफॉर्म करेगा वो कौन से अजर्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए करेगा, कौन से अजर्शन में कंफर्मेशन लेने के लिए करेगा, कंप्लीटनेस, कि वो जो फिगर आ रही है वो कंप्लीट आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें कहीं कोई अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है, उसमें कहीं कोई ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है, उसमें कहीं कोई अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है, उसमें कहीं कोई ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है, उसमें कहीं कोई अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ओवर वैल्यूएशन नहीं है, अंडर वैल्यूएशन नहीं है, जो फिगर आ रही है वो कंप्लीट आ रही है उस साल की। इस साल का कोई भी फिगर कंपनी ने अगले साल पोस्टपोन नहीं कर दिया, खसका नहीं गया, और अगले साल का कोई भी फिगर इस साल इंक्लूड नहीं कर दिया। तो वो कट ऑफ प्रोसीजर्स जो ऑडिटर परफॉर्म करता है वो कंप्लीटनेस चेक करने के लिए करता है। ठीक है, कंप्लीटनेस चेक करने के लिए। अब इंस्टीट्यूट ने ना अपने मटेरियल में एक गलती की है। क्या गलती की है, उन्होंने कट ऑफ प्रोसीजर को एज ए सेपरेट अजर्शन दिखाया है। इसलिए हमारे बुक में भी देखोगे कि कट ऑफ प्रोसीजर एक सेपरेट अजर्शन की तरह आ रहा है, कट ऑफ प्रोसीजर, तो उन्होंने कट ऑफ को एक अलग अजर्शन की तरह दिखाया है। बट कट ऑफ एक अलग से अजर्शन नहीं होता है, कट ऑफ प्रोसीजर कंप्लीटनेस के अंदर आता है टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस। अब मजे की बात क्या पता है, स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया इंस्टीट्यूट ने उसमें तो कट ऑफ प्रोसीजर को एज अ सेपरेट अजर्शन दिखा दिया, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई तो कट ऑफ को एक अलग अजर्शन की तरह ट्रीट नहीं करा, फिर कंप्लीटनेस वेरीफाई करते वक्त ही कट ऑफ को रेफर किया उन्होंने जहां भी किया। तो टेक्निकली कट ऑफ क्या है, टेक्निकली कट ऑफ कंप्लीटनेस का पार्ट है, कट ऑफ कंप्लीटनेस का पार्ट है। ठीक है, कट ऑफ प्रोसीजर्स टेक्निकली यहां पे कंप्लीटनेस का पार्ट है। बट अब देखना एग्जाम में अगर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से अजर्शंस हैं हमारे अकाउंट बैलेंस के, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के, अगर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप कट ऑफ प्रोसीजर्स को भी एज अ सेपरेट अजर्शन दिखा देना, अपने को इंस्टीट्यूट से पंगा नहीं लेना। ठीक है, लेकिन अगर किसी एसेट को वेरीफाई करने की बारी आती है तो वहां पर कट ऑफ एक अलग अजर्शन नहीं है, वो कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए ही एक प्रोसीजर है। लेकिन अगर टाइप ऑफ अजर्शन का सवाल वो आपसे पूछता है तो वहां पे आपको क्या करना है, कट ऑफ को एज अ सेपरेट अजर्शन दिखा देना है। तो यहां पे एक नोट लिख लेना साथ में, यहां पे एक नोट लिख लोगे आप, कि इफ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ऑन अजर्शन, इफ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ऑन अजर्शन, तो क्या करना है अपने को, शो कट ऑफ एज सेपरेट अजर्शन, शो कट ऑफ
एज सेपरेट एजर्शन। तो अगर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है एजर्शन में, तो अपने को क्या करना है, कट ऑफ को भी शो करना है एज ए सेपरेट एजर्शन। ठीक है, एक बार कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या है इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आप साथ में नोट डाउन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है पूरा नोट डाउन। तो कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या, पता एग्जाम में कभी 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए कि कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या होता है। तो अगर कट ऑफ प्रोसीजर्स की बात करें तो कट ऑफ प्रोसीजर्स का क्या मतलब हो गया, देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जाता है मेनली फॉर टेस्टिंग कंप्लीटनेस अजर्शन। कौन से अजर्शन को वेरीफाई करने के लिए यूज होता है, मेनली फॉर टेस्टिंग कंप्लीटनेस अजर्शन। ठीक है, तो कट ऑफ प्रोसीजर्स की बात करें यहां पे तो मेनली ये परफॉर्म किया जाता है फॉर टेस्टिंग कंप्लीटनेस अजर्शन, और नॉर्मली ये किसी भी पार्टिकुलर आइटम के लिए यूज हो सकता है कट ऑफ प्रोसीजर, बट मेनली जो यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में मेनली, तो तीन एसेट, तीन आइटम्स के लिए होता है, परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री। तो कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर टेस्टिंग कंप्लीटनेस अजर्शन, और नॉर्मली तीन आइटम्स के लिए यूज किया जाता है, परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री। और इसकी खासियत क्या होती है, यह परफॉर्म किया जाता है अराउंड द कट ऑफ डेट, यह परफॉर्म किया जाता है अराउंड द कट ऑफ डेट, और कट ऑफ डेट क्या हो गया, 31st मार्च। और 31st मार्च कट ऑफ डेट क्यों है, क्योंकि वो सेग्रीगेट करता है दो फाइनेंशियल ईयर को। अब पर्पस क्या है कट ऑफ प्रोसीजर्स का, पर्पस क्या है कट ऑफ प्रोसीजर्स का, टू चेक कि जो भी परचेज या सेल्स ऑकर हुआ है 12 महीने में, 12 मंथ्स का टाइम साइकिल लेता है यहां पे, कि टू चेक जो भी परचेज या सेल्स ऑकर हुआ है इन ए 12 मंथ साइकिल दैट हैव बीन फुल्ली रिकॉर्डेड एंड फुल्ली रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड, कि जो भी परचेज या सेल्स ऑकर हुआ है 12 महीने के साइकिल में दैट हैव बीन फुल्ली रिकॉर्डेड एंड फुल्ली रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड। ठीक है, दैट इज ना अंडर स्टेटमेंट हुआ है और ना ही ओवर स्टेटमेंट हुआ है। इतना तो क्लियर है एकदम कि कट ऑफ प्रोसीजर्स मेनली हम लोग यूज करेंगे फॉर टेस्टिंग कंप्लीटनेस अजर्शन फॉर परचेज सेल्स इन्वेंट्री परफॉर्म्ड अराउंड कट ऑफ डेट, और पर्पस क्या है, टू चेक परचेज ऑब्लिक सेल्स ऑकरिंग इन 12 मंथ्स हैव बीन फुल्ली रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड, दैट इज नो अंडर स्टेटमेंट और नो ओवर स्टेटमेंट। अब देखना यहां पे, अब जो ये वाला पोर्शन है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में जब आप कट ऑफ प्रोसीजर्स को रेफर करोगे तो आप एग्जैक्टली ये वाला चीज लिख सकते हो कि ऑडिटर अब प्रैक्टिकली क्या चेक करेगा, ऑडिटर प्रैक्टिकली कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त क्या चेक करेगा। सबसे पहले जो दो पॉइंट है वो सेल्स के रिस्पेक्ट में लिख दिया मैंने, और फिर जो नेक्स्ट दो पॉइंट है वो परचेज के रिस्पेक्ट में लिख दिया। तो अगर एग्जाम में कोई भी सेल या परचेज का सवाल आता है तो आप ये चीज एग्जैक्टली लिख के आ सकते हो, फॉर लास्ट फ्यू सेल्स इनवॉइसेस इशूड विद इन द 31st मार्च। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट फ्यू सेल्स इनवॉइसेस जो कि इशू किया गया है विद इन 31st मार्च, हम क्या चेक करेंगे कि भैया अगर सेल हुआ है तो माल डिस्पैच भी हुआ कि नहीं हुआ। अगर सेल हुआ है माल अभी डिस्पैच ही नहीं हुआ, इसका मतलब शायद ही अलग अकाउंटिंग ईयर का है। फिर हम चेक करेंगे कि अगर ऑल गुड्स डिस्पैच विद इन 31st मार्च, जो भी माल डिस्पैच हुआ है 31st मार्च तक, सभी का सेल इनवॉइस इशू हुआ है क्या, सबकी अकाउंटिंग हुई है क्या। हो सकता है कि माल तो डिस्पैच हो गया 31st मार्च तक बट सेल में अकाउंटिंग नहीं हुई, कंपनी अगले साल जाकर अप्रैल में सेल की अकाउंटिंग कर रही है उनको उस साल का सेल्स दिखाकर। तो हम चेक करेंगे ऑल गुड्स डिस्पैच्ड विद इन 31st मार्च, सेल्स इनवॉइस हैव बीन इशूड एंड अकाउंटेड। तो सिंपल सी चीज है कि ऐसे ऑडिटर हम क्या करेंगे, आखिरी के कुछ दिन के ट्रांजेक्शन देखेंगे, जो सेल इनवॉइसेज है उनके रिस्पेक्ट में देखेंगे माल डिस्पैच हुआ कि नहीं, और जो माल डिस्पैच हो चुका है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इनवॉइस इशू हुआ कि नहीं, प्रॉपर अकाउंटिंग हुई कि नहीं हुई। और अगर परचेज की बात करें तो क्या देख सकते हैं अपन, फॉर लास्ट फ्यू परचेजेस विद इन 31st मार्च, हम ये देखेंगे हमने परचेजिंग तो करी, हमने परचेज तो दिखाया बट माल रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, या अभी भी माल ट्रांजिट में है, वेदर द गुड्स आर रिसीव्ड और द गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट। और जो माल रिसीव हो गया विद इन 31st मार्च उनकी अकाउंटिंग हुई कि नहीं हुई, पता चला माल भी रिसीव हो गया 28 अप्रैल को, माल भी रिसीव हो गया लेकिन कंपनी अगले साल जाके अप्रैल में दिखा रही हमने परचेज किया था जबकि माल पिछले साल ही रिसीव हो गया। तो ऑल गुड्स रिसीव्ड विद इन 31st मार्च हैव बीन अकाउंटेड।
तो ये इन्फॉर्मेशन कट ऑफ प्रोसीजर्स का अगर क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया या एमसीक्यू आया, तब भी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगा। और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में ही किसी सेल परचेज के रिस्पेक्ट में अगर वहां पे आपको वो बोल रहा है कि आपने क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है टू वेरीफाई कंप्लीटनेस, तब भी आप क्या कर सकते हो, ये सारी कहानी लिख सकते हो। तो ऑडिटर नॉर्मली क्या सारी चीजें चेक करेगा कि फॉर द लास्ट फ्यू सेल्स इनवॉइसेस इशूड विद इन 31 मार्च गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड, ऑल गुड्स डिस्पैच्ड विद इन 31 मार्च सेल्स इनवॉइस हैव बीन इशूड एंड अकाउंटेड। फिर लास्ट के दो पॉइंट परचेज के लिए हो गया, ऑल फॉर लास्ट फ्यू परचेजेस विद इन 31 मार्च ये चेक कर लो कि माल रिसीव हो गया या ट्रांजिट में है, एंड जो भी माल रिसीव हो गया विद इन 31 मार्च उसकी अकाउंटिंग हुई कि नहीं हुई। तो पहला दो पॉइंट सेल्स के लिए है और दूसरा दो पॉइंट परचेज के लिए है। Goods have been dispatched. C point. Goods have been received or are in transit. For last few purchases within 31st March, goods have been received. कि भाई purchasing तो दिखाया company ने, but माल आया कि नहीं आया, या अभी भी माल transit में है? क्योंकि अगर company ये दिखा रही है कि माल अभी भी transit में है और माल अगले साल मिला, तो huge probability है कि वो शायद purchasing अगले साल की होगी। आप प्रैक्टिकली देखो ये सारी चीजें ना, तुमने प्रैक्टिकली जाके करनी है। तुम लॉजिकली एक चीज सोचो, तुम नॉर्मली जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तुम सारी चीजें प्रैक्टिकली जाकर नहीं करते, सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ लेते हो। कहने को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, बट ये सारी चीजें तो हर बच्चे को जाके प्रैक्टिकली करनी है। आर्टिकलशिप में भी प्रैक्टिकली करनी है या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना है बाकियों को, और जब सीए बन जाओगे और तुम ऑडिट का फील्ड चूज करते हो तब भी तुमको प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज नीडेड टू क्रैक दिस पार्टिकुलर चैप्टर, ये जो तुमको मैंने पहले बता दिया था कि भाई तुमको क्या चाहिएगा इस चैप्टर को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले क्या चाहिएगा, नॉलेज ऑफ लॉ। उसके बाद क्या चाहिएगा, नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बात करें तो AS और शेड्यूल 3 दोनों की नॉलेज चाहिएगी, और ऑडिट का अब तक का भरपूर ज्ञान, ऑडिट का अब तक का भरपूर ज्ञान, स्पेशली अजर्वेशंस के बारे में, ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, कारों के बारे में, ठीक है, ऑडिट एविडेंस वाले स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो ऑडिट एविडेंस वाले एसेस थे ना, ऐसे 500, 501, 505, 580 ऑडिट एविडेंस वाले एसेस के बारे में स्पेशली इनका भरपूर ज्ञान। और फाइनली एक चीज चाहिए भाई, कॉमन सेंस, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्या चाहिएगा, कॉमन सेंस। अब जैसे अभी मैं तुमको ढेर सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लिखा दूंगा जो कॉमन ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, कि अगर तुमको कुछ याद नहीं है, अगर तुम भगवान के भरोसे गए हो एग्जाम देने के लिए, तुमको कुछ याद नहीं है, तो कोई भी टॉपिक आएगा तो तुम कुछ लिख के आ सको। बट अगेन यहां भी तुमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि सर ने जो इतनी सारी बातें लगाई हैं, ये लिखाई हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, उतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब देखना ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम काफी रिसर्च के बाद, एनालिसिस के बाद ये कॉमन पॉइंट्स ये बनाया गया है, तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा प्रैक्टिकली बिफोर यू नो एग्जामिनेशन, जब आप रिवाइज करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। और एक चीज आपको और बता दूं, ये चैप्टर ऐसा है, ये कॉमन अजर्शंस ये तो याद हो जाएगा, बट इन कॉमन अजर्शंस को भी अप्लाई करना उतना आसान नहीं होगा, उतना ईजी नहीं होगा। आपने लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कब क्या लगेगा। ठीक है, और ये पार्टिकुलर चैप्टर ऐसा है कि आपको याद ही नहीं रहेगा एग्जाम से पहले, अगर आप एग्जाम से ठीक पहले रिवाइज करके नहीं गए। तो इंटर जो 1.5 डेज का शेड्यूल भी बना के देता हूं मैं आपको, उसमें भी मैं मार्क करा के देता हूं कि बेटा ये आखिरी के 2 घंटे में ना तुमको ये चैप्टर करना, बाकी सारा चैप्टर तुम 1.5 डेज में कंप्लीट कर लेना, खाली जो एग्जाम वाला डे होगा उसमें तुमको आखिरी के 2 घंटे इस चैप्टर के लिए देना है।
कॉमन assertions, कॉमन ऑडिट प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू assertions, अब आपने देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट. अब देखना यहां पे ना एक चीज बता रहा हूं तुमको, तीन assertions ऐसे हैं, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, जिसके बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर कॉमन होते हैं. ये तीन assertions. अगर मेरे को एज ए ऑडिटर कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी है, या मेरे को एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है, या मेरे को वैल्यूएशन वेरीफाई करनी है, तो बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे कि कंप्लीटनेस चेक करने के लिए भी मैं परफॉर्म करता हूं, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए भी मैं परफॉर्म करता हूं, और वैल्यूएशन चेक करने के लिए भी मैं क्या करता हूं, परफॉर्म करता हूं. बहुत सारा ऐसा रहेगा जो कॉमन रहेगा. इसलिए काफी सारे क्वेश्चन में ना इंस्टीट्यूट ने खुद ही डिफरेंशिएट नहीं किया है. उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, बताओ व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन. उसने इकट्ठा पूछ लिया, ठीक है. अब देखना सबसे पहले कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में. अब लॉजिकली एकदम सोचना है, ठीक है, लॉजिकली सोचना है कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में. मैंने कम से कम 11-12 पॉइंट लिखाया है यहां पे तुमको, क्योंकि कोई भी आइटम आ सकता है, कोई भी बैलेंस शीट का आइटम आ सकता है, कोई भी पीएनएल का आइटम आ सकता है, कहीं से भी वो कंप्लीटनेस पूछ सकता है तुमसे कि भाई कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे. तो प्रैक्टिकली हर आइटम का अलग से याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये 11 पॉइंट 12 पॉइंट अगर आपको याद है और आप थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई कर पा रहे हो कि यार वहां पे क्या फिगर आउट हो सकता है, क्या फिट हो सकता है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, एग्जाम में आंसर लिख के आ सकते हो. तो वो जो स्पेसिफिक आइटम होगा उसका स्पेसिफिक 2 पॉइंट याद रह गया, और जनरल में से 3 पॉइंट याद रह गया, तो आपका 5 पॉइंट बन गया, ठीक है. तो कंप्लीटनेस, अब कंप्लीटनेस के लिए क्या चेक करोगे, लॉजिकली सोचो, कंप्लीटनेस वेरीफाई करने के लिए क्या चेक करोगे. सबसे पहले तुम एग्जामिन करोगे रेलिवेंट रिकॉर्ड्स. क्या एग्जामिन करोगे? रेलिवेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है. अब वो रेलिवेंट रिकॉर्ड्स हर आइटम के लिए अलग होगा, वो रेलिवेंट रिकॉर्ड्स हर आइटम के लिए अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल तुमको परचेज की कंप्लीटनेस, सोचो लॉजिकली दिमाग लगाओ, अगर तुमको परचेज की कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी है तो कौन सा रेलिवेंट रिकॉर्ड्स होंगे जो तुम चेक करोगे? परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, माल रिसीव हुआ रहेगा तो गेट में एंट्री भी होगी, एक GRN इशू हुआ रहेगा. तो अगर परचेज का तुम एग्जामिनेशन कर रहे हो तो परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, GRN. अगर तुम सेल्स का कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो तो सेल्स इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, गुड्स डिस्पैच रिसिप्ट. लॉजिकली सोच रहे हो, गुड्स डिस्पैच रिसिप्ट, तो वो तुमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा. अगर तुम बोरोइंग्स की कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो और तुम लिख के आ रहे हो एग्जामिन परचेज रिकॉर्ड, परचेज इनवॉइस तो नहीं होगा. अब बोरोइंग को लेकर अलग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होगा, जैसे वहां कोई लोन डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है. तुमको अगर बोरोइंग का पता लगाना है तो रिपेमेंट शेड्यूल की लिस्ट हो सकती है, तुम रिपेमेंट शेड्यूल की लिस्ट मंगा लो. बिल्कुल सही, यहां तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए. और यहां बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, और बुक में नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है, बट आपको उसका मार्क्स मिलेगा, प्रोवाइडेड कि कुछ पॉइंट्स आपके मिलते जुलते भी हो इंस्टीट्यूट से. ऐसा नहीं है कि सारा ही अपना बनाकर लिख रहे हो, ठीक है. तो जैसे इन्होंने बोला रिपेमेंट शेड्यूल, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ऑब्टेन कर लो शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट, उससे कंप्लीटनेस वेरीफाई कर लो, ठीक है. आपने बोरोइंग्स के बारे में पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हमारा फेवरेट डॉक्यूमेंट मिनट्स ऑफ द मीटिंग एग्जामिन कर लो. तो कहने का मतलब है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट चेक करो, रेलिवेंट रिकॉर्ड चेक करो, बट प्रैक्टिकली तुम किस आइटम की चेकिंग कर रहे हो उसके हिसाब से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना. उसके हिसाब से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा, रेलिवेंट रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा. समझ पा रहे हो? तो कंप्लीटनेस पहला पॉइंट, क्या क्या आपने साथ साथ लिखते रहना, एग्जामिन रेलिवेंट रिकॉर्ड्स. मान लो परचेज के लिए परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, GRN. सेल्स के लिए सेल्स इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, गुड्स डिस्पैच नोट, ठीक है. बोरिंग के लिए लोन डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जैसे इन्होंने बताया शेड्यूल ऑफ यू नो रिपेमेंट्स, एकदम लॉजिकल है. तो क्या वेरीफाई कर पाओगे? कंप्लीटनेस. क्या वेरीफाई कर पाओगे? कंप्लीटनेस. उसके बाद कंप्लीटनेस का अगला पॉइंट, अगर परचेज सेल इन्वेंट्री का क्वेश्चन है तब तो आंख बंद करके लिख सकते हो कट ऑफ प्रोसीजर्स. क्या करोगे? परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर्स. फिर तीसरा
कंप्लीटनेस वेरीफाई करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका क्या होता है, आप को रिलेट करो बाकी रिलेटेड अकाउंट से। मान लो आप इन्वेंट्री को एग्जामिन कर रहे हो, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंट क्या है, परचेज सेल्स, आप उनको भी वेरीफाई करो, यहां की फिगर परचेज में गई है क्या, परचेज की फिगर सेल्स में गई है क्या, परचेज हुआ तो इन्वेंट्री में क्यों नहीं आया, माल बिका तो भाई इन्वेंट्री में तो आना चाहिए था। तो आपस में क्या करो, अकाउंट्स को क्रॉस चेक करो। तुम डेटर का एग्जामिन कर रहे हो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में कितना दिखाया है, ठीक है ना, बैंक स्टेटमेंट में कितना पेमेंट आ रहा है। तो इस तरीके से जो भी रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनको एग्जामिन करो। तो जब रिलेटेड अकाउंट्स को एग्जामिन करोगे तो उससे भी तुमको किस चीज का आइडिया मिल जाएगा, कंप्लीटनेस का आइडिया मिल जाएगा। जब तुम इंटर रिलेटेड अकाउंट्स को क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे। तुम रिकंसिलेशंस करो, जितना हो सके रिकंसिलेशंस करो, जितना हो सके। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का यहां कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसको बैंक स्टेटमेंट से मिला के देख लो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ट्रायल बैलेंस से रिकंसाइल करके देख लो। तुम क्या करो, रिकंसाइल करो, रिकंसाइल करो। फॉर एग्जाम्पल तुम बोरोइंग्स चेक कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बोरोइंग्स चेक कर रहे हो। तो जैसे कि तुमने बताया कि सर मैं क्या ले लूंगा, ऑब्टेन कर लूंगा शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस भी तो होगा कि बोरोइंग कितने फिगर का लिया था। तुम लोन एग्रीमेंट भी देख लोगे कि लोन एग्रीमेंट में कितने का बोरोइंग था। तुम ये भी देख लोगे कि आज की तारीख में क्या फिगर है। तुम शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट देख लोगे, कितना रिपेमेंट हुआ है, कितना इंटरेस्ट है, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग सही दिखा रहा है कि नहीं, बैलेंस आउटस्टैंडिंग से तुम प्रिंसिपल अमाउंट तक जा पा रहे हो कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लोगे। तो इस तरीके से क्या करोगे, रिकंसिलेशंस करोगे। रिकंसिलेशंस करके क्या मिलेगा तुमको, कंप्लीटनेस के ऊपर एविडेंस मिलेगा, ठीक है। अब मजे की बात क्या पता है, इंस्टीट्यूट भी कहीं कहीं टाइम पास करता है, काफी जगह उसके पास लिखने के लिए कंटेंट नहीं है ना, एक क्वेश्चन तो है स्टडी मैट में, रिकंसिलेशंस का पॉइंट लिखकर उसने पूरा बीआरएस समझा दिया कि किस तरीके से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की चेकिंग करोगे, किस तरीके से मैच करोगे, वो पूरा बचपन वाला प्रोसेस समझा दिया। फिर एक बहुत कमाल का प्रोसीजर जो तुम परफॉर्म कर सकते हो कंप्लीटनेस वेरीफाई करने के लिए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बहुत कमाल का इंफॉर्मेशन है जो तुम, कमाल का प्रोसीजर है जो तुम वेरीफाई कर सकते हो टू परफॉर्म कंप्लीटनेस। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो उसका क्या रीजन है, डिक्रीज हुआ तो उसका क्या रीजन है, इंक्रीज हुआ तो उस इंक्रीज का क्या इफेक्ट है, डिक्रीज हुआ तो उस डिक्रीज का क्या इफेक्ट है। कंपैरिजंस करो, रिलेशंस एनालाइज करो, क्या करो, रिलेशंस एनालाइज करो। कंपनी ने बोरिंग ली है, रीजनेबल टेस्ट करो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स का स्टैंडर्ड याद है ना, कंपनी ने बोरिंग्स ली है तो बोरिंग्स ली है तो प्रैक्टिकली उसका इंटरेस्ट का पेमेंट क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है वो टोटल आउटस्टैंडिंग फिगर से मैच कर रहा है क्या। तो देखो बोरिंग्स, बोरिंग्स चेक करो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उनको क्रॉस चेक करो, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उनको क्रॉस चेक करो, ट्रायल बैलेंसेस चेक करो, ट्रायल बैलेंसेस चेक करो। ये सारे अच्छे पॉइंट्स है, देखो जनरली तुमको बना के लिख के आना है ना, तुम कुछ भी दुनिया जहां की चीजें बना के लिख दोगे बट वो बकवास होगा, फिर इंस्टीट्यूट तुमको वहां पे पता चलेगा 4 में 0 देके छोड़ दिया, एक गोल से अंडा देके छोड़ दिया, 1 नंबर देके छोड़ दिया, और तुम बोलोगे इंस्टीट्यूट ने मेरे को 0 दे दिया। लेकिन एटलीस्ट अगर तुमको याद नहीं भी है और तुम ये ढंग के पॉइंट्स लिख के आओगे तो वहां एक प्रोबेबिलिटी है कि तुमको 4 में से 2 नंबर इंस्टीट्यूट दे दे। तो तुम एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करोगे, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करोगे, सब्सिक्वेंट प्रोसीजर का एप्लीकेशन लगाओगे कंप्लीटनेस वेरीफाई करने के लिए कि 31 मार्च के बाद भी हो सकता है कुछ पार्टिकुलर ट्रांजैक्शंस हुए हो जो उस रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग करते हो। तो तुम क्या करोगे, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करोगे। तो प्रैक्टिकली तुम क्लाइंट का ऑडिट करते हो, भले ही तुमको ऑडिट रिपोर्ट अप्रैल से मार्च तक के ऊपर देना है, बट क्लाइंट से जब तुम स्टेटमेंट मांगते हो तब बोलते हो साथ में अप्रैल का भी देना, साथ में मई का भी देना। वो बोलेगा अरे भैया तुमको अप्रैल का क्या काम है, तुमको मई का क्या काम है, तुमको तो रिपोर्ट 31 मार्च तक का बनाना है, उसके ऊपर दो। तुम बोलोगे नहीं मैं सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करूंगा, कंप्लीटनेस वेरीफाई करना है मुझे, मैं क्या करूंगा, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करूंगा। अब प्रैक्टिकल इसमें बहुत सारे ऐसे अजर्शन से देखो जिससे तुम सिर्फ कंप्लीटनेस वेरीफाई नहीं करोगे, जिससे तुम एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई करोगे, साथ साथ वैल्यूएशन भी वेरीफाई करोगे।
तो काफी सारी चीजें जो तुमको कंप्लीटनेस में लिखा रहा हो ना, तुमको मॉड्यूल में कभी कभी वैल्यूएशन में भी दिखाई दे जाएगा, एग्जिस्टेंस में भी दिखाई दे जाएगा। तुम शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट मांग रहे हो तो उससे खाली तुम कंप्लीटनेस थोड़ी वेरीफाई करोगे, देखा जाए तो तुम उससे एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई करोगे, तुम उससे वैल्यूएशन भी वेरीफाई करोगे, है ना। अगर अब दो पॉइंट मैंने लिखाया है, कुछ समझ ना आए, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाए, कुछ समझ ना आए क्या करूं, चाहे कंप्लीटनेस हो चाहे एग्जिस्टेंस हो, चाहे कंप्लीटनेस हो चाहे एग्जिस्टेंस हो, दोनों में काम आ जाएगा ये दो महाअस्त्र, इंटरनल कंट्रोल WR, इंटरनल कंट्रोल WR, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो क्लाइंट का, कि उस पर्टिकुलर आइटम के रिस्पेक्ट में कंपनी ने कंट्रोल्स कैसे लगा रखे हैं, क्योंकि जब कंट्रोल्स अच्छा होगा वो तुमको एक श्योरिटी देगा, वो तुमको एक कंफर्मेशन देगा, एक एश्योरेंस देगा उस पर्टिकुलर कंप्लीटनेस के बारे में या उस पर्टिकुलर आइटम के एग्जिस्टेंस के बारे में। तो इंटरनल कंट्रोल WR, इंटरनल कंट्रोल WR, ठीक है। तो अभी तक के पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब ये पॉइंट्स तुमको घोट के पी जाना है, हर आइटम के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे मैं तुमको नहीं बोलूंगा घोट के पी जाना, पॉसिबल नहीं है, बट ये आइटम्स तुमको घोट के पी जाना है। एग्जामिन रेलिवेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, कट ऑफ प्रोसीजर्स, कोरिलेट विद अदर अकाउंट्स, रिकंसिलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, क्रॉस चेक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ट्रायल बैलेंस, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग, इंटरनल कंट्रोल WR, ठीक है। अब बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या करोगे तुम हमेशा जब भी तुमको कंप्लीटनेस वेरीफाई करना है, तुम क्लोजिंग बैलेंस चेक करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस चेक करो, क्लोजिंग बैलेंस को टैली कर लो सही है कि नहीं, और फिर तुम वेरीफाई करो कि पूरे साल भर में कितना एडिशन हुआ है, कितना डिलीशन हुआ है, पूरे साल भर में कितना एडिशन हुआ है, कितना डिलीशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल तुम इन्वेंट्री के भी कंप्लीटनेस को चेक कर रहे हो, तो क्लोजिंग बैलेंस के फिगर को उठाओ, उसको टैली करो, फिर देखो कितना परचेज हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, सारा परचेज ऑथराइज है कि नहीं, सारा सेल्स ऑथराइज है कि नहीं। अगर तुम शेयर कैपिटल चेक कर रहे हो, वहां भी क्लोजिंग बैलेंस के फिगर को उठाओ, फिर देखो साल भर में कितना कैपिटल इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। अगर तुम रिजर्व्स की चेकिंग कर रहे हो तो वहां भी कंप्लीटनेस में ये पॉइंट आएगा कि तुम क्लोजिंग बैलेंस के फिगर को उठाओ और फिर देखो कि रिजर्व्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है। इसलिए मैंने इसको अलग कलर से यूज किया कि मतलब ये हर जगह आता है, स्पेशल पॉइंट्स है। टैली द क्लोजिंग बैलेंस एंड वेरीफाई एडिशंस ऑफ द डिलीशंस ड्यूरिंग द ईयर। और फाइनली पॉइंट नंबर 11 जो किसने बताया था, ऑप्टेन शेड्यूल। ये ऑप्टेन शेड्यूल वाला चीज जनरली कंप्लीटनेस में कहीं भी आ जाता है, लेकिन शेड्यूल किस चीज को ऑप्टेन करोगे वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोरोइंग का कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो तो रिपेमेंट शेड्यूल ऑप्टेन करोगे, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चेक कर रहे हो तो एक पीपीई का शेड्यूल होता है, आप पीपीई का शेड्यूल ऑप्टेन करोगे, समझ रहे हो। तो आप शेड्यूल ऑप्टेन करोगे, अब आइटम वाइज वो चेंज हो जाएगा, कि अगर आप बोरिंग्स का शेयर कैपिटल चेक कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप अलग शेड्यूल ऑप्टेन करोगे, बोरिंग्स चेक कर रहे हो तो अलग शेड्यूल ऑप्टेन करोगे, ठीक है ना। अगर आप पीपीई ऑप्टेन कर चेक कर रहे हो तो अलग शेड्यूल ऑप्टेन करोगे। तो ऑप्टेन शेड्यूल 10 और 11 पॉइंट नंबर पॉइंट को, लास्ट के जो दो पॉइंट है इसको मैंने अलग कलर में मार्क किया है, ट्राई करना कि कंप्लीटनेस का ये तुम्हारा पहला दो पॉइंट हो, ट्राई करना कि कंप्लीटनेस का तुम्हारा ये पहला दो पॉइंट हो, अगर ये दो पॉइंट वहां फिट बैठ रहा है, ट्राई करना कि कंप्लीटनेस का तुम्हारा ये पहला दो पॉइंट हो अगर ये फिट बैठ रहा है, और उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वाला और कट ऑफ वाला पॉइंट हो अगर फिट बैठ रहा है। ठीक है, मतलब तुम ये समझ लो, मैंने तुमको ब्रह्मास्त्र बोल लो, संजीवनी बूटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो पार्टिकुलर चीज नोट डाउन कराई हुई है, सबसे ज्यादा यही काम आएगा। कॉमन पॉइंट्स के नाम पर नॉर्मली अगर बताया भी जाता है ना तो एकदम जनरल पॉइंट बताए जाते हैं, बट ये जो तुमको मैंने बताया है ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे आंसर्स को स्टडी करके तुमको ये लिस्ट दिया है मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लीटनेस ही होता है वहां पे, लेकिन मैंने बताया ना, अब काफी बार तुमको इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में ये भी दिखेगा कि एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल पूछा है, वैल्यूएशन के ऊपर सवाल पूछा है, वो कंप्लीटनेस वाले पॉइंट भी है, क्योंकि उन पॉइंटों से तुम एग्जिस्टेंस भी चेक कर पा रहे हो, तुम वैल्यूएशन भी चेक कर पा रहे हो। एग्जिस्टेंस, अब एग्जिस्टेंस के लिए जो स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एग्जिस्टेंस। तो अगर वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऐसे 505,
बकायदा दो या तीन क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने पूरा 505 एक्सप्लेन किया है, पूरा प्रोसीजर बताया है। फिर 505 कंफर्मेशन लो, क्लाइंट का कंसेंट लो, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करो, सेंड करो, फॉलो अप करो। अगर मिसमैच होता है तो आगे प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं मिला तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। इसलिए मैंने तुमको बताया ना, भरपूर ज्ञान चाहिए। ये चैप्टर को तुमने स्टार्ट कर लिया हवाबाजी में, तुमको ऑडिट का भी तुमने रिवाइज नहीं करा, ऑडिट भी ढंग से तुमने लॉ वगैरह भी ढंग से रिवाइज नहीं करा है, तो तुमको इस चैप्टर, ये चैप्टर तुम्हारे ऊपर से जाएगा। ये चैप्टर कब करो? जब अभी चैप्टर फिलहाल, अभी जब ये चैप्टर पढ़ने का मन करे तो खाली ये कॉमन पॉइंट्स देखते रहो। जब तुम लॉ रिवाइज कर लोगे, जब तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर लोगे, और जब तुम ऑडिटिंग में भी ढंग से एक बार स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग रिवाइज कर लोगे, कारो रिवाइज कर लोगे, उसके बाद तुमको ये चैप्टर उठाना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद जब एग्जिस्टेंस की बात करें तो अगला चीज फिजिकल वेरिफिकेशन 501। आप देखोगे फिजिकल वेरिफिकेशन की जब बात करें तो पूरा 501 लग जाता है, कारो 20 लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा है तो क्लॉज 2 ऑफ कारो 20 लग जाता है। अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा है तो क्लॉज 1 ऑफ कारो 20 लग जाता है, और बकायदा उसके पॉइंट्स लिखे रहते हैं वहां पे, ठीक है? तो एग्जिस्टेंस में तुम्हारे दिमाग में दो चीजें क्या आनी चाहिए? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए अप्लाई करूंगा 505, और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ऐसे 501 और कारो 20। इन्वेंट्री है तो क्लॉज 2, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो क्लॉज 1। अगर कैश है, तुम कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो कैश एक स्पेशल आइटम है। वहां बोला गया है कि कैश का जब तुम फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे ना, तो कैश में रिजल्ट तभी आएगा जब तुम सरप्राइज टेस्ट करोगे, क्योंकि कैश में तुम पहले से इन्फॉर्म करके करोगे, आ रहा हूं मैं कैश वेरीफाई करने के लिए, तो वो तो अरेंज कर लेगा। तो कैश में तुम हमेशा क्या करते हो? सरप्राइज टेस्टिंग करते हो। फिर एग्जामिन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये यहां भी आ जाएगा। जैसे तुमने बोरिंग, तुम मान लो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया हुआ है, तुमको डिबेंचर्स के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है, तो तुम डिबेंचर्स डीड देख लोगे, तुम बैंक स्टेटमेंट देख लोगे। कंपनी ने कोई एसेट लीज में दिया हुआ है, या कोई एसेट हायर परचेज के लीज में लिया हुआ है, तुम लीज एग्रीमेंट देख लोगे। तुमको बोरिंग्स का एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है कि जो बोरिंग्स कंपनी बैलेंस शीट में दिखा रही है कि नहीं है, कि नहीं है। तुम बैंक स्टेटमेंट निकालोगे, देखोगे कि इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है कि नहीं। लेजर स्टेटमेंट्स चेक कर लोगे, डब्ल्यू आर ले लोगे, क्या करोगे? डब्ल्यू आर ले लोगे। जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे वो तो करोगे ही करोगे, डब्ल्यू आर ले लोगे। तो ये एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग हो गया। ठीक है, साथ साथ लिख लिया कि नहीं यहां तक? ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस का रिगार्डिंग हो गया। अब ऑकरेंस का रिगार्डिंग सोचेंगे। ऑकरेंस के रिगार्डिंग, ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ कि नहीं, तो क्या चेक करोगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कंफर्मेशन। ठीक है, कंफर्मेशन हो गया, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, ऑथराइजेशन चेक कर सकते हो, यू कैन चेक द ऑथराइजेशन। एंड अगेन यहां भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो, तुम बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह लेके चेक कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो मल्टीपल चीजों में एजर्शन देते हैं अपने को। अगर वैल्यूएशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन में नॉर्मली फंडामेंटल रूल क्या होता है? तुम ये देखोगे एज पर FRF है कि नहीं है। क्या देखोगे वैल्यूएशन में? एज पर FRF है कि नहीं है, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि नहीं है, एज पर शेड्यूल 3 है कि नहीं है, और जो भी फिर FRF की बातें तुमको पता होंगी साथ में तुमको लिखनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो तो तुम क्या देखोगे? एज पर AS2 वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस। अगर तुम PPE का वैल्यूएशन कर रहे हो चेक, तो तुम चेक करोगे कि AS10 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं। अगर तुम इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन चेक कर रहे हो, एमर्टाइजेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं चेक कर रहे हो, तो तुम चेक करोगे AS26 के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं।
मान लो जो भी तुम जिस भी चीज का तुम वैल्यूएशन चेक कर रहे हो वहां फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है? फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का। तो AS11 का कंप्लायंस। इंपायरमेंट चेक कर रहे हो तो AS28। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज का इंपैक्ट आता है हमारे वैल्यूएशन पे। अकाउंटिंग पॉलिसी का इंपैक्ट आता है हमारे वैल्यूएशन पे, तो कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर कोई भी फीस वगैरह बनती है तो फीस वगैरह प्रॉपरली पे हुआ कि नहीं, फीस वगैरह एसेट के प्राइस में ऐड हुआ कि नहीं, कोई स्टैम्प ड्यूटी बनता है, कोई टैक्सेस बनता है, उसका पेमेंट हुआ कि नहीं, राइट? कोई भी स्टैम्प ड्यूटी बनता है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करा, तो अगर कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करा तो उसका स्टैचुरी फीस होता है, उसका स्टैचुरी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देना होता है। तो फीस वगैरह का पॉइंट हो गया, स्टैम्प ड्यूटी का पॉइंट हो गया, टैक्सेस का पॉइंट हो गया। तो वैल्यूएशन में ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, अगर तुम राइट्स ऑब्लिगेशंस चेक करोगे तो क्या चेक करोगे? अगेन टाइटल डीड चेक करोगे। यहां पे याद करो कारो, कारो भी याद करो। अगर तुम मान लो जाए से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का राइट ऑब्लिगेशन चेक करोगे तो क्लॉज 1 लग जाएगा वहां पे। टाइटल डीड वगैरह चेक करोगे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए, दोबारा से तुम क्या क्या वेरीफाई कर सकते हो भाई? अगर कंपनी के नाम पे है, कंपनी ने स्टैम्प ड्यूटी पे करा होगा उस चीज का, कंपनी ने टैक्सेस पे करा होगा उस चीज का। अगर कंपनी बोलती है टाइटल डीड हमारे पास नहीं है, थर्ड पार्टी के पास है, कंपनी ने लोन लिया है, तुमको वेरीफाई करना है कि वो लायबिलिटी बाकी कंपनी को बिलोंग करती है कि नहीं, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, लोन एग्रीमेंट थर्ड पार्टी के पास है। कंपनी ने लोन वगैरह लिया है बकायदा, और हो सकता है लोन लेने के लिए कंपनी ने अपना कोई एसेट प्लेज किया हो, गिरवी रखा हो। अगर ऐसा होता है तो याद करो कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी कोई भी चार्ज क्रिएट करती है अपने एसेट्स के लिए तो अपने चार्ज क्रिएट, अपना क्रिएशन ऑफ चार्ज करती है सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसके बारे में आरओसी को इंटीमेट करती है, बकायदा चार्जेस को रजिस्टर करती है। तो रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ये भी तुम्हारे लिए एविडेंस है ये देखने के लिए कि वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। तो तुमको नेक्स्ट लेवल पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? चेक टाइटल डीड, चेक पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेस। टाइटल डीड लोन एग्रीमेंट की बात करें तो थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, चेकिंग द रजिस्टर ऑफ चार्जेस, और एक चीज और बता रहा हूं तुमको, एक टिप दे रहा हूं। अच्छा क्या करो तुम प्रैक्टिकली, व्हाट यू शुड डू इज, मैं तो बोलूंगा घर जाके ना एक बार इफ पॉसिबल दोबारा से लिखना, या तो लिखना ही ना assertions को, या फिर क्या करना, मान लो तुम जब क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिकली, तब तुम जब कंप्लीटनेस वेरीफाई कर रहे हो, वैल्यूएशंस वेरीफाई कर रहे हो, तब तुम क्या करो, मान लो उस आंसर को पढ़ते हुए तुमको एक अच्छा पॉइंट मिल गया, उस आंसर को पढ़ते हुए तुमको एक अच्छा पॉइंट मिल गया कि अरे यार कंप्लीटनेस वेरीफाई करने के लिए तो मैं ये भी कर सकता हूं। तो जहां तुमने कंप्लीटनेस की नोटिंग करी है ना, वहीं लिख लो कि फॉर एग्जाम्पल इस एसेट को, एसेट के कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूं। तो इस तरीके से तुम क्या करो, नोटिंग करते रहना। तो क्या होगा, हो सकता है कि ये जो नोटिंग है ये 3-4 पेज का बन जाए,
बट प्रैक्टिकली तुम 60-70 पेज का जो चैप्टर है वो क्रैक कर लोगे उस 3-4 पेज में, जितने पॉसिबल पॉइंट्स हो सके मैंने तुमको लिखाए हैं। बट स्टिल जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन करते वक्त मान लो तुम पीपीई का कंप्लीटनेस वेरीफाई कर रहे हो, तुमको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया तो लिख लो, फॉर एग्जाम्पल वाइल वेरीफाइंग द कंप्लीटनेस ऑफ पीपीई मैं ये चेक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल वाइल वेरीफाइंग द कंप्लीटनेस ऑफ दिस मैं ये चेक करूंगा। तो जितना अच्छा यहाँ नोट नोट डाउन कर लोगे कॉमन पॉइंट्स में उतना ज्यादा तुम्हारा आंसर ड्राफ्टिंग अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ये सबसे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, यहां तो तुमको क्या चेक करना है एज पर एफ आर एफ, प्रॉपर क्लासिफिकेशन है कि नहीं एज पर एफ आर एफ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है कि नहीं एज पर एफ आर एफ। अब देखो ये जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का पार्ट है ना, ये काफी जगह मैं तुमको होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि भर भर के वो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर दिया हुआ है शेड्यूल 3 के हिसाब से, जो तुम शेड्यूल 3 में पढ़ते हो। तो प्रैक्टिकली उसको दोबारा से ऑडिट में करना उतना पॉसिबल नहीं है, इंपॉर्टेंट एरियाज का तो करा दूंगा साथ साथ तुमको, बट प्रैक्टिकली ऑडिट में हर चीज का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देखना पॉसिबल नहीं है, वो तुम्हारा शेड्यूल 3 वाला पार्ट है पूरा, जो तुम वहां देखते हो अच्छे से, तो वो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 वाला रहेगा। तो अगर तुमने शेड्यूल 3 के वहां पे जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर दिया हुआ है अभी तक अच्छे से नहीं भी याद किया है तो अब कोशिश करना उसको भी रेफर करना शुरू कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे सिर्फ अकाउंट्स में काम नहीं आना, ऑडिट में भी काम आना है, ठीक है। तो एक बार एक काम करो, जस्ट टेक 2 मिनट्स, रीड ऑल द कॉमन पॉइंट्स, 2 मिनट लो ये सारे पॉइंट कॉमन पॉइंट्स रीड करो, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी जो भी टेक्निकल आइटम्स होंगे उनका सारा नोटिंग मैं तुम्हें साथ साथ ही कराऊंगा, कि तुमको रिवाइज करने में बहुत टाइम कम लगे और रीड करने में भी बहुत कम एफर्ट्स लगे।
अब देखना, सबसे पहले जो पहला आइटम दिया हुआ है, बातें बंद, सबसे पहले जो पहला आइटम दिया हुआ है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अगेन शेयर कैपिटल, इसका पूरा नोटिंग हम साथ साथ ही करने वाले हैं, मॉड्यूल में बहुत भरा चढ़ा के दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स हमें याद रहेंगे, एक फ्लो में याद करेंगे, विल रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट, बट अपना सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आइटम वन शेयर कैपिटल, तो कुल मिला के इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले कुल मिला के अपने को इसमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई ECV, व्हाट इज ECV, एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस वैल्यूएशन। अब मैंने तुमको बताया ना, काफी जगह इंस्टीट्यूट डिफरेंशिएट करता है कि एग्जिस्टेंस के लिए अलग बताओ, कंप्लीटनेस के लिए अलग बताओ, वैल्यूएशन के लिए अलग बताओ, बट जहां इंस्टीट्यूट को भी पता है कि मोस्टली पॉइंट हर जगह सेम ही रहेगा, तो वो डिफरेंशिएट नहीं करके इकट्ठा दे देता है, जैसे यहां उसने इकट्ठा दे दिया है कि ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई ECV। फिर शेयर कैपिटल के टॉपिक में मोस्टली हमारा लॉ बेस्ड डिस्कशन होने वाला है, वो सारी चीजें जो तुम लॉ में पढ़ के आए हो एग्जैक्टली सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट, कि अगर कंपनी शेयर प्रीमियम में इश्यू करती है, तो याद है लॉ में सेक्शन 52, कि अगर कंपनी शेयर प्रीमियम में इश्यू करती है तो इन दैट सिचुएशन का क्या कंडीशन है, तो पूरा का पूरा सेक्शन 52 दिया हुआ है। अगर शेयर कंपनी डिस्काउंट में इश्यू करती है तो वो पूरा का पूरा सेक्शन 53 दिया हुआ है। अगर कंपनी स्वैट इक्विटी शेयर इश्यू करती है तो वहां सेक्शन 54A दिया हुआ है, और एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है साथ में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 66, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो लॉ बेस्ड चार कॉन्सेप्ट दिया हुआ है शेयर कैपिटल के टॉपिक में इन ऑडिट, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, स्वैट इक्विटी शेयर एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो वह लॉ वाला जो टॉपिक है वो अपन फास्ट फास्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे कि बस एक ब्रशअप हो जाए, और जो ऑडिट वाला टॉपिक है वो अच्छे से करेंगे। और फाइनली आता है शेड्यूल 3 बेस्ड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, कि शेयर कैपिटल को आप शेड्यूल 3 में डिस्क्लोज कैसे करते हो, प्रेजेंट कैसे करते हो। तो तुम देखो ऑडिट का जो पार्ट है वो तो सिर्फ एक है, इसी टॉपिक में लॉ बेस्ड एक्सटेंसिव डिस्कशन है और शेड्यूल 3 बेस्ड एक्सटेंसिव डिस्कशन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस वैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस वैल्यूएशन। अब देखना शेयर कैपिटल के 9-10 पॉइंट है, ये तुमको साथ साथ ही याद हो जाएगा, बस एक फ्लो डेवलप करेंगे तुमको साथ साथ ही याद हो जाएगा सारा, एकदम ईजी है। सबसे पहले लॉजिकली सोचो और ये बताओ, शेयर कैपिटल की जब बात करें तो शेयर कैपिटल कौन कौन सा टाइप का था, मेनली ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, मेनली यहां तीन कैपिटल्स की बात की गई है। तो यहां मैंने शॉर्ट में दिया ACICPSC, AC यानी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, IC यानी इश्यूड कैपिटल, और PSC यानी पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखना क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखना क्या है, कंप्लीटनेस में याद है ना मैंने तुमको पॉइंट नंबर 10 एंड 11 लिखाया था, कि तुम क्या करो, टैली करो पीरियड एंड बैलेंस को, टैली करो पीरियड एंड बैलेंस को, और फिर देखो पूरे साल भर में क्या एडिशंस हुआ है, क्या डिलेशंस हुआ है, क्या चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसी से सारा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, टैली करो पीरियड एंड शेयर कैपिटल को। अब वो तो तुमको अकल लगाना पड़ेगा ना, मॉडिफिकेशन लगाना पड़ेगा ना, तुम लिखोगे टैली द पीरियड एंड बैलेंस, डज नॉट मेक ए सेंस व्हेन यू नो कि इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू अबाउट शेयर कैपिटल, तो तुमको ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा वहां पे टैली द पीरियड एंड कैपिटल, टैली द पीरियड एंड कैपिटल, और फिर तीनों कैपिटल का नाम ले लिया ACICPSC, मतलब टैली द पीरियड एंड ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैली द पीरियड एंड ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या देखना है, चेंजेस, क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। अब शेयर कैपिटल की बात करें, शेयर कैपिटल की बात करें तो वर्ड एडिशन डिलेशन यूज होगा या इंक्रीज या डिक्रीज यूज होगा, कॉन्सेप्ट वही है। अब लॉजिकल सा चीज है ना, शेयर कैपिटल की बात कर रहे हो तो तुम ये बोलोगे कि हाउ मच शेयर कैपिटल वाज एडेड ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच शेयर कैपिटल वाज डिलेटेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर बोलोगे सर ने बताया था ये लिख के आ जाना, क्या लिखोगे वहां पे, कितना शेयर कैपिटल में चेंज है, कितना शेयर कैपिटल में इंक्रीज है या कितना शेयर कैपिटल में डिक्रीज है।
अब देखो एकदम बोला अगर तुमने ये देखा कि शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, अगर तुमने ये देखा कि शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो फटाफट अपनी सेफ्टी के लिए डब्ल्यू आर ले लो कंपनी सेक्रेटरी से, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से डब्ल्यू आर ले लो फ्रॉम सीएस ऑफ द कंपनी। अगर तुमने देखा कि यहां पे शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, तो क्या करो, तुम कंपनी सेक्रेटरी से डब्ल्यू आर ले लो, कंपनी सेक्रेटरी से डब्ल्यू आर ले लो। अब डब्ल्यू आर किससे लोगे? अप्रोप्रिएट पर्सन से लोगे, मैनेजमेंट का मतलब होता है वहां अप्रोप्रिएट पर्सन से लोगे। तो यहां पे तुम लॉ के कंप्लायंस के रिगार्डिंग डब्ल्यू आर ले रहे हो, तो डब्ल्यू आर तुम किससे लोगे? कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से लोगे, कंपनी सेक्रेटरी से लोगे। तो तुमने टैली किया पीरियड एंड ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला स्टेप है, लॉजिकली सोचो। अब या तो शेयर कैपिटल में इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा या नो चेंज होगा। तो नो चेंज, पहला सिचुएशन है नो चेंज। तो अगर नो चेंज है तो क्या करोगे? डब्ल्यू आर लोगे किससे? कंपनी सेक्रेटरी से। बहुत आसान। अगर चेंज है तो बोला गोल्डन रूल क्या था शेयर कैपिटल का, याद रखना लॉ में। गोल्डन रूल ये था कि कभी भी किसी भी हालत में पेड अप शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल को एक्सीड नहीं करेगा। गोल्डन रूल ये था ना कि कभी भी किसी भी हाल में पेड अप शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल को एक्सीड नहीं करेगा। अगर पेड अप शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल को एक्सीड करता है, तो पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट भरानी होगी, तब जाकर आप पेड अप शेयर कैपिटल भरा सकते हो। यही पढ़ते थे ना लॉ में। तो अगर चेंज हुआ है, तुम वेरीफाई करोगे कि पेड अप शेयर कैपिटल शुड ऑलवेज बी लेस देन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, या वेरीफाई करोगे कि पेड अप शेयर कैपिटल इज विद इन द लिमिट्स ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कि पेड अप शेयर कैपिटल इज विद इन द लिमिट्स ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अगर तुम इसमें अपना और एडिशनल ज्ञान लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू इंक्रीज द पेड अप शेयर कैपिटल अबव द लिमिट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, फर्स्टली द कंपनी हैज टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन एंड इंक्रीज द लिमिट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो वो तुम्हारा लॉ का ज्ञान तुम लिखना चाहते हो एडिशनली, तो लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले दो जनरल पॉइंट्स बोल दिए। अगर कोई चेंज नहीं है डब्ल्यू आर ले लेंगे सीएस से, चेंज है तो देख लेंगे पेड अप शेयर कैपिटल हमेशा लिमिट तक है। अब ये जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है या पेड अप शेयर कैपिटल है, ये इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है कि नहीं? बट एक चीज बताना, चाहे कंपनी ने शेयर कैपिटल को इंक्रीज करा हो, चाहे कंपनी ने शेयर कैपिटल को डिक्रीज करा हो, रिजोल्यूशन पास करा होगा कि नहीं होगा? यस। तो तुमको क्या चेक करना है एज ऑडिटर? रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं। अब रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं, इसके लिए क्या करोगे? ऑब्टेन करोगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोल रहा है तुम देख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अच्छा इंक्रीज हुआ है, रिजोल्यूशन तो पास किया होगा, रिजोल्यूशन की कॉपी दो। डिक्रीज हुआ है, रिजोल्यूशन तो पास हुआ होगा, रिजोल्यूशन की कॉपी दो। समझ रहे हो? तो पहला चार पॉइंट देखो एक ही फ्लो में जा रहा है, तुमको भटकने की जरूरत नहीं, एक ही फ्लो में जा रहा है। तुमने क्या किया? टैली करा पीरियड एंड ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब लॉजिकली सोचो, या तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा या कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं है तो डब्ल्यू आर सी एस से ले लो। चेंज है, अगर चेंज है तो ये वेरीफाई कर लेना कि पेड अप शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के लिमिट में तो है कि नहीं है। अब यहां तो खाली उन्होंने लिखा अगर चेंज है, तुम लॉजिकली ऐसे भी लिखते हो कि इफ द कंपनी हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑथराइज दैट इट इज विद इन द लिमिट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो कोई गलती नहीं है वहां पे। अब अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो कंपनी ने मीटिंग में रिजोल्यूशन भी पास करा होगा, तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन ले लो। राइट, अब आगे भी पॉइंट सारे लॉजिकल फ्लो में है। तुम देखोगे ना मॉड्यूल में स्कैटर्ड पॉइंट्स था, मैंने उन सारे पॉइंट्स को एक सीक्वेंस में डेवलप किया कि वो सारे कोरिलेटेड वे में चले। अब मान लो शेयर कैपिटल में इंक्रीज है, शेयर कैपिटल में क्या है? इंक्रीज है, तो अकॉर्डिंगली कंपनी जितना शेयर कैपिटल इंक्रीज करती है, बकायदा उतने एडिशन में कंपनी को फीस भी पे करना पड़ता है, कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ता है। अगर कंपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज करते जा रहा है, तो भाई उसको प्रोपोर्शनेटली क्या करना पड़ता है? थोड़ा मोरा फीस भी पे करना पड़ता है, एमसीए को स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ता है। तो ये चेक कर लो कि अगर शेयर कैपिटल में इंक्रीज है, तो आपने फीस और स्टैम्प ड्यूटी एक्यूरेटली कैलकुलेट करके कंपनी ने एमसीए को पे किया कि नहीं।
तो अगर कंपनी ने शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट करा है तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि फीस एंड स्टैम्प ड्यूटी एक्यूरेट कंपनी ने कैलकुलेट करके एमसीए को पे किया है या नहीं किया। अब फाइनली सोचो, याद करो शेयर कैपिटल का चैप्टर, याद करो शेयर कैपिटल जब ऑल्टर करना होता था क्या करते थे। लॉजिकली सोचो, सीक्वेंस को याद करो। सबसे पहले लॉ में हमेशा, मैं तुमको एक चीज बोलता हूं, जब भी तुमको एक डिसीजन लेना होता है ना लॉ में, सबसे पहले घर के अंदर देखो कि घर के जो नियम कानून है वहां चेंजेस करने की जरूरत है कि नहीं। उसका मतलब होता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस की जरूरत है कि नहीं, एमओए में कुछ चेंजेस की जरूरत है कि नहीं। अगर नियम कानून तुम्हारा सही है तब तुम मालिकों से पूछो, मेंबर से अप्रूवल लो, देखो कि बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए, मेंबर से अप्रूवल चाहिए, तो अकॉर्डिंगली तुम ओआर या एसआर पास करो। और उसके बाद तो तुम देखो कि अब कोई एक्सटर्नल पार्टी से कोई अप्रूवल लेने का जरूरत है क्या, या से किसी से कम्युनिकेट करने का जरूरत है क्या। बातें बंद करो, जो चीजें तुमको बता रहा हूं तुम सुन लोगे ना, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब याद करो शेयर कैपिटल का चैप्टर। तो कंपनी क्या करती थी, शेयर कैपिटल अगर कभी भी वहां पे इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो रिजोल्यूशन पास करती थी। उसके लिए रिजोल्यूशन पास करने के बाद बकायदा उसका जो स्टैम्प ड्यूटी का डिफरेंस आएगा या फिर तुम्हारा वो आएगा स्टैम्प ड्यूटी फीस वगैरह, तो एमसी को पे करती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट याद, कंपनी लॉ में हमेशा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कंपनी लॉ का माई बाप होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हमारा मंदिर होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और कंपनी जो भी करती है आरओसी को इंटीमेट करती है, जो भी करती है आरओसी को इंटीमेट करती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आरओसी एक मंदिर है और कंपनी जो भी करती है आरओसी के वहां जाके मट्ठा टेकती है। तो कंपनी अगर शेयर कैपिटल में कभी भी चेंजेस करेगा तो वो उसके बारे में किसको इंटीमेट करेगा, आरओसी को। तो चेक करो क्या कंपनी ने ऑल्टरेशन के बारे में आरओसी को इंटीमेट किया, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में इंटीमेट किया, राइट। इफ आई रिमेंबर SS7 है फॉर्म, SS7 तो याद, राइट SS7 है वहां पे। ठीक है, तो या ये देखो कि भाई कंपनी ने ऑल्टरेशन के बारे में आरओसी को इंटीमेट किया है कि नहीं इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। लॉजिकल सी चीज है, पूरा लॉ बेस्ड है। ठीक है, तो ये तो लॉ वाली फ्लो है ना। कंपनी जब भी शेयर कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो कंपनी चेक करती है, हमेशा ध्यान रखती है कि पेडअप शेयर कैपिटल का जो लिमिट है वो ऑथराइज कैपिटल लिमिट को क्रॉस ना कर जाए। कंपनी उसके लिए रिजोल्यूशन पास करती है, जो भी स्टैम्प ड्यूटी बनता है एमसीए का फीस वगैरह बनता है वो पे करती है और आरओसी को इंटीमेट करती है। यही तो करता है कंपनी प्रैक्टिकली। तो एज ए ऑडिटर तुमको वही चीज चेक करना है, एज ए ऑडिटर तुमको वही चीज चेक करना है। फिर बोला अगर कंपनी ने फ्रेश इशू निकाला है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर किया है, तो कंपनीज एक्ट के सारे कंप्लायंसेस चेक कर लो, ऑल द कंप्लायंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब याद करो कंपनी जब भी फ्रेश इशू निकालती है तो बहुत सारा कंप्लायंसेस होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना रहेगा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इशू करना रहेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट पूरा करना रहेगा, सेपरेट बैंक अकाउंट, अंडरराइटिंग कमीशन, सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डालना रहेगा। तो देखो वो सारा कंप्लायंसेस हो रहा है कि नहीं, देखो वो सारा कंप्लायंसेस हो रहा है कि नहीं। कंपनी अगर फ्रेश इशू निकाल रही है तो कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट देखना है। और कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट में मेनली क्या क्या देखना है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल किया कि नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखा कि नहीं, एसबीए यानी सिक्योरिटीज बैंक अकाउंट में अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डाला कि नहीं। तो ये सारा कुछ, अगर कंपनी ने शेयर प्रीमियम इशू करा तो सेक्शन 52 कंप्लाई किया कि नहीं, शेयर डिस्काउंट इशू करा तो सेक्शन 53 कंप्लाई करा कि नहीं, और फाइनली अगर एक लिस्टेड कंपनी कभी भी क्या कर रही है, कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, कोई नया इशू निकाल रही है, तो सेबी गाइडलाइंस पूरा किया कि नहीं, क्या किया कि नहीं, सेबी गाइडलाइंस किया पूरा किया कि नहीं। तो बताओ आसान है, अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो मतलब 4 में 4 ला सकते हो। वो लॉ का फ्लो तुमको याद है तो, और लॉ से आसान सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं क्योंकि वो पूरा फ्लो में चलता है। लॉ का ब्यूटी क्या है, वो पूरा फ्लो में चलेगा, तुमने फ्लो समझ लिया ना उसे खूबसूरत कोई नहीं है। एक चीज बताऊं, लॉ में लिखना बहुत आसान है, खाली फ्लो डेवलप करना है। मान लो पार्टिकुलरली तुमने फ्लो डेवलप कर लिया, तुमने फ्लो डेवलप कर लिया, हमेशा मैं लॉ में क्या बोलता हूं, फ्लो डेवलप करो। पहले सोचो कभी भी घर के अंदर, घर के अंदर वाला डॉक्यूमेंट, घर के अंदर वाला डॉक्यूमेंट क्या है, AOMOA। फिर सोचो अप्रूवल किसका चाहिए, पहले सोचो अप्रूवल किसका चाहिए, अप्रूवल किसका चाहिएगा, बोर्ड का, या तो बोर्ड का या शेयर होल्डर का या दोनों का। ठीक है, फिर देखो कि अच्छा अप्रूवल ले लिया, आरओसी को इंटीमेशन का पॉइंट तो पक्का होगा, और फिर सोचो बाहर वालों का किसी का अप्रूवल चाहिए क्या, एनसीएलटी का वगैरह का अप्रूवल चाहिए क्या,
अब अगर इतना तुम्हारे दिमाग में है, लैंग्वेज तुम ऐसे ही बना दोगे लॉ में, लॉ में तो लिखने का बहुत मजेदार सिस्टम है, वहां तो तुम क्या करो, सबसे पहले तुमको बोल्ड रिजोल्यूशन की बातें करनी है, उसको तीन स्टेप में बांट दो। कंपनी शुड सेंड द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टू ऑल इट्स डायरेक्टर्स, कंपनी शुड पास द बोर्ड रिजोल्यूशन एट द ड्यूली कन्वेंड बोर्ड मीटिंग। तुमको SROR का बात करना है तो एक एक बच्चा होता है जो लिख के आ जाता है कंपनी शुड पास SR, एक एक दूसरा बच्चा होता है वो क्या लिख सकता है, कंपनी शुड सेंड द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑल इट्स मेंबर्स, कंपनी शुड कन्वीन ए जनरल मीटिंग, कंपनी शुड कन्वीन ए जनरल मीटिंग, ड्यूली कन्वीन जनरल मीटिंग जो लॉ का वर्ड है, कंपनी शुड पास स्पेशल रिजोल्यूशन एट द ड्यूली कन्वीन जनरल मीटिंग, एंड कंपनी शुड इंटीमेट अबाउट द सेम टू द ROC। हो गया तुम्हारा लैंग्वेज, तो वहां तो वो लैंग्वेज और आसान है, वो एक फ्लो है पूरा, ठीक है। तो यही यहां तो क्या करना है तुमको, ऐसा ऑडिटर चेक करना है हर चीज कंपनी ने बकायदा किया कि नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद पूरा लॉ बेस्ड प्रोविजन है कंप्लीटली, जो लॉ में बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें तो कुछ है ही नहीं, बस मैंने एकदम शॉर्ट में ना इसको नोट डाउन करा दिया है कि यहां रिवाइज करते वक्त तुम्हारा ज्यादा समय ना जाए। जैसे अगर कंपनी शेयर प्रीमियम में इशू करती है तो कौन सा सेक्शन लगता है, 52 ऑफ कंपनीज एक्ट लगता है कि नहीं, और अगर कंपनी डिस्काउंट में इशू करती है शेयर तो क्या लगता है, 53, और अगर कंपनी स्वैट इक्विटी शेयर इशू करती है 54, 52, 53, 54, पहले प्रीमियम में इशू किया 52, फिर डिस्काउंट में इशू किया 53, फिर एम्प्लॉइज एक्टर्स एम्प्लॉइज एंड एक्टर्स को इशू करा 54, एकदम सिंपल होता है वो फ्लो। अब कंपनी जब शेयर प्रीमियम में इशू करती है तो वहां पे लॉ एक रिक्वायरमेंट ले डाउन करता है, याद करो SPA, SPA क्या था याद करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कि कंपनी को वो प्रीमियम का पैसा अलग से ट्रांसफर करना होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। और ऐसा रिक्वायरमेंट लॉ में क्यों दिया है, क्यों बोला है कि SPA में जमा करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कंपनी ने SPA के यूज को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अगर यूज रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता तो लॉ मेकर वो रिक्वायरमेंट देता ही नहीं SPA का, तब तो बोलता कि अरे कहीं भी यूज कर सकते हो पैसे को, तो डालो भाई जहां डालना डालो, जनरल हो जाता। लेकिन इसका यूज रेस्ट्रिक्टेड है, और क्योंकि यूज रेस्ट्रिक्टेड है तो लॉ में अलग से बोला SPA अकाउंट, लॉ में क्या बोला अलग से SPA अकाउंट, और बोला SPA का अकाउंट का जो पैसा है कहां कहां यूटिलाइज कर पाओगे तुम, याद करो फुल्ली पेड बोनस शेयर, पहले बी वाले पॉइंट्स, इसको याद करने का तरीका होता है हर चीज को, जैसे वहां 4-5 पॉइंट स्कैटर्ड, तुम एक सीक्वेंस में याद करो ना, बी वाला पॉइंट एक साथ लिख दो, अच्छा बोनस बायबैक, फिर सी वाला लिख दो कमीशन शेयर डिस्काउंट, और फिर पी वाले लिख दो प्रीमियम फॉर रिडम्पशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। गलती तुम लोग की वही होती है, अब वहां भी तुम लोग रैंडमली याद कर रहे हो, अब वहां एक फ्लो है BCP, पहले बी वाले पॉइंट फिर सी वाले पॉइंट फिर पी वाले पॉइंट, अपने आप याद रहेगा। बी मतलब बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर, बी मतलब बायबैक, सी मतलब कमीशन शेयर डिस्काउंट, पी मतलब प्रीमियम फॉर रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, एंड पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, याद है ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को तुम इन्हीं अकाउंट इन्हीं पर्पस के लिए क्या करते हो, यूज करते हो। तो SPA का यूटिलाइजेशन उन्हीं 5 पर्पस के लिए यूज होता है। अगर तुमसे ऑडिट प्रोसीजर्स पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, ऑडिटर शैल चेक वेरीफाई एग्जामिन करके बना देना है, ऑडिटर शैल वेरीफाई वेदर द प्रीमियम अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ऑडिटर शैल इंश्योर वेदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हैज बीन यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, वहां लिख दोगे। कौन सा यहां पूछ रहे हो कि कहां का, अच्छा अभी तो वहां पे आए नहीं ना मैं, ठीक है आने तो दो। फिर अगर कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू करना चाहती है तो पुराना कंपनीज एक्ट तो बोलता था 1956 वाला कि हाँ भैया डिस्काउंट में शेयर इशू करो, उसके कुछ कंडीशंस थे, बट न्यू कंपनीज एक्ट स्ट्रिक्ट शब्दों में बोलता है कि आप शेयर को डिस्काउंट में इशू कर ही नहीं सकते, अगर आप शेयर को डिस्काउंट में इशू करते हो तो नल एंड वॉइड होगा। क्या बोलता है कि अगर आप शेयर को
डिस्काउंट में इश्यू करते हो तो वो क्या होगा, नल एंड वॉइड होगा। और अगर फिर भी करते हो, जोर जबरदस्ती करते हो, जिद से करते हो, तो नल एंड वॉइड तो होगा ही। साथ में जो तुम्हारे जो कंपनी है और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है, उन लोगों के ऊपर लगने वाला है पेनल्टी। उन लोगों के ऊपर क्या लगने वाला है? पेनल्टी। और पेनल्टी क्या लगता था? जो भी फंड आपने रेज करा डिस्काउंट में इश्यू करके, या तो उतना या 5 लाख, विच एवर इज लेस, या 5 लाख विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम है, दोनों में से जो भी कम है। अब लॉजिकल सा चीज है ना, अगर विच एवर इज मोर होता तो क्या होता? मान लो कंपनी ने ना डिस्काउंट में शेयर इशू करके 1 लाख रुपए ही रेज करा, और तुमने बोल दिया 1 लाख और 5 लाख विच एवर इज मोर, भैया मैंने रेज करा 1 लाख रुपए, तुमने पेनल्टी लगा दी 5 लाख। तो इसलिए वहां पे लॉ मेकर ने दिया विच एवर इज लेस। लॉ में हर चीज में क्या होता है, तुमको समझना होता है लॉ मेकर ने ऐसा क्यों किया। और मैं लॉ मेकर होता तो मैं ऐसा करता कि नहीं। और साथ में क्या बोला वहां पे, रिफंड ऑल द मनी, जो पैसा आया वो भी रिफंड कर, ठीक है। खाली उसका एक एक्सेप्शन था, तुमको याद करो अगर, तो उसका एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था? मान लो लेट अस से कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंपनी का क्या हो रहा है? रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब रिकंस्ट्रक्शन कब होता है पता है? प्रैक्टिकली रिकंस्ट्रक्शन कब होता है? आज के टाइम में रिकंस्ट्रक्शन दो सिचुएशंस में होता है। या तो कंपनी NCLT के पास जाती है अंडर द इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, या तो कंपनी NCLT के पास जाती है अंडर द इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, और कंपनी IBC के पास जाती है और बोलती है मेरा रिजोल्यूशन करवा दो, मेरे को रिवाइव करवा दो, मैं बहुत मुसीबत में हूं, सारी मुसीबतों का भंडार मेरे ऊपर फूट चुका है, मेरा रिवाइवल करा दो। और दूसरा सिचुएशन होता है कि कंपनी यहां भी जाती है NCLT के पास, बट अंडर ए कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम जाती है, इन कंपनीज एक्ट, अंडर ए कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम जाती है इन कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब लॉजिकली सोचना, अगर कंपनी अंडर ए कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम जाती है इन कंपनीज एक्ट, तो वहां पे ना NCLT एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनवाता है। क्या बनवाता है? रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनवाता है। और रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्रेडिटर्स को कुछ पैसा फॉरगो करना होगा, कंपनी यहां पे शेयर सस्ते भाव में अपने क्रेडिटर्स को इश्यू कर देगा, बदले में वो अपना डेब्ट्स फॉरगो कर देंगे। और अगर कंपनी IBC कोड के तहत NCLT के पास जाता है तो वहां पे रिकंस्ट्रक्शन स्कीम नहीं होता, वहां पे एक रिजोल्यूशन प्लान बनता है। क्या बनता है? रिजोल्यूशन प्लान, कि कंपनी का रिजोल्यूशन कैसे हो सकता है, कंपनी रिवाइव कैसे हो सकती है। तो अब तुम लॉजिकली सोचो, कंपनी गई है NCLT के पास अंडर द IBC कोड, मुझे बचा दो बचा दो बचा दो, कंपनी ने बोला ठीक है, NCLT ने बोला चलो रिजोल्यूशन प्लान बनाओ। अब रिजोल्यूशन प्लान में लिखा है कि डायरेक्टर क्रेडिटर्स अपना कुछ पैसा फॉरगो कर देंगे, बदले में हम उनको शेयर डिस्काउंट में इश्यू कर देंगे, और NCLT ने उसे अप्रूव कर दिया। NCLT में क्या कर दिया? उसे इश्यू कर दिया। अब क्योंकि NCLT ने उसे अप्रूव कर दिया, कंपनी ने शेयर डिस्काउंट में इश्यू कर दिया, तो बाद में कोई आके बोल सकता है कि अरे ये जो तुमने शेयर डिस्काउंट में इश्यू करा ये तो गलत है, नल एंड वॉइड है एज पर सेक्शन 53? नहीं। तो प्रैक्टिकली सोचो, वहां पे जेन्युइननेस नहीं है उस चीज का। तो इसलिए बोला गया कि अगर कोई भी डेप्थ को शेयर्स में कन्वर्ट किया गया है, अब प्रैक्टिकली जो क्रेडिटर्स था उनका क्या था? डेप्थ, उनको मिलना था कंपनी से पैसे, बट कंपनी वो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे आउट नहीं कर पा रही थी, इसलिए कंपनी को रिवाइव करने के लिए NCLT ने क्या किया कि डेप्थ को शेयर्स में कन्वर्ट करवा के बोला आप शेयर डिस्काउंट में इशू कर दो। तो अब इन दैट सिचुएशन ये नल एंड वॉइड नहीं होगा, एक्सेप्शन है, याद है ना लॉ में करते थे, अभी मैंने सिर्फ रिवाइज कराया है। और फिर कॉन्सेप्ट आता था स्वैट इक्विटी शेयर का, इसका एक और एक्सेप्शन था डिस्काउंट का, कि वैसे तो तुम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम स्वैट इक्विटी शेयर इशू करते हो अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को, तब तुम डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, जिसका नाम था स्वैट इक्विटी। तुमको पता है नाम स्वैट इक्विटी क्यों रखा? स्वैट इक्विटी, स्वैट मतलब क्या होता है? पसीना। कि वो जो डायरेक्टर है, वो जो एम्प्लॉय है, उसने तुम्हारे कंपनी के लिए अपना पसीना बहाया है, वो बहुत टाइम से तुम्हारे लिए लॉयल रहा है, ईमानदार रहा है, वो तो उसने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसीना बहाया, अपना पसीना बहाया है, कंट्रीब्यूट किया है, तुम्हें IPR प्रोवाइड किया है,
मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड किया जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते। वो जो लॉयल एम्प्लॉयज तुम्हारे लिए काम करते हैं तो उनकी लॉयल्टी को तुम मेजर नहीं कर सकते। तो उनके लॉयल्टी के बदले, उनके ईमानदारी के बदले, उनके खून पसीने के बदले क्या तुम उनको शेयर सस्ते में इश्यू नहीं कर सकते? कर सकते हैं, है ना। तो लॉ मेकर कहता है कि भैया हम इतने भी बुरे नहीं है, आप अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज को उनके खून पसीने के बदले सस्ते में शेयर इशू कर रहे हो, तो हम इतने भी बुरे नहीं है, उसको अलाउ ना करें। लेकिन कुछ शर्तों का ध्यान रखना पड़ेगा। शर्तें क्या होंगी? बोला देखो, माना, प्रैक्टिकली माना कि आप अपने डायरेक्टर्स को खून पसीने के बदले इशू कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी में फंड किसका लगा है? मेंबर्स का। उनके अप्रूवल लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। क्या करो? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। लॉजिकल सा चीज है। तो प्रैक्टिकली तुमको स्टेप्स बनाना हो तो कंपनी नोटिस देगा जनरल मीटिंग का, वहां पे जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगा, एसआर पास करेगा। अब जब तुमको याद है लॉ में कॉन्सेप्ट आता है कि जनरल मीटिंग देने से पहले, जनरल मीटिंग जब होगा उससे 21 डेज पहले क्लियर नोटिस जाएगा कि मीटिंग होने वाला है, तो उस नोटिस में तुम स्पेसिफाई कर दो, वो जो स्पेशल रिजोल्यूशन होगा उसका जो नोटिस रहेगा एसआर में, तुम क्लियरली स्पेसिफाई कर दो। क्या स्पेसिफाई कर दो? हम कितना शेयर इश्यू करने वाले हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, किस भाव में हम इशू करने वाले हैं, और कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं जिनको हम इशू करने वाले हैं। अब लॉजिकली अगर तुम मेंबर्स को बताओगे ही नहीं कि हम कौन से डायरेक्टर को इशू कर रहे हैं, हम कौन से एम्प्लॉय को इशू कर रहे हैं, हम कितने प्राइस में इशू कर रहे हैं, तो वो कैसे डिसीजन लेगा, ले पाएगा? तुम शेयर होल्डर हो, तुमको अप्रूव करना है स्वेट इक्विटी को, तो तुमको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना कि बताओ तो सही कितना शेयर इशू कर रहे हो, किसको कर रहे हो, किस भाव में कर रहे हो। तो कंपनी क्या करेगा? एसआर में वो सारी चीजें स्पेसिफाई करेगा। प्लस याद है उसमें एक पॉइंट था कि कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी गाइडलाइंस को पूरा करेगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो सीजी रूल्स को फॉलो करेगा, याद है। तो इसमें कंडीशंस क्या था? एसआर प्लस सेबी गाइडलाइंस, एसआर प्लस सेबी गाइडलाइंस, और एसआर क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी, एंड हु आर द एम्प्लॉयज ऑफ द डायरेक्टर्स, हु आर द एम्प्लॉयज ऑफ द डायरेक्टर्स। मतलब लॉ का जो पोर्शन आता है ना, तो भाई वो तो सबसे लॉजिकल है, सबसे ईजी है, क्योंकि ऑडिट में तो मजबूरी में काफी जगह लॉजिक लगाना पड़ता है, लॉ तो 100% लॉजिकल है। तो एसआर में क्या करेंगे? हम स्पेसिफाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, या फिर एम्प्लॉयज ऑब्लिक डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज ऑब्लिक डायरेक्टर्स। लॉ इतना इंटरेस्टिंग डायनेमिक सब्जेक्ट होता है, तुमको पता है एक बच्चा जो जिंदगी में पहली बार लॉ का किताब उठा रहा है, 2 घंटे का अगर उसको बेसिक ब्रशअप मिल जाए, वो लॉ के कम से कम 30-40% एरियाज का कॉन्सेप्ट बता सकता है, अगर उसका बेसिक ब्रशअप उसको मिल जाए। तो ये क्या हो गया? स्वैट इक्विटी। अब ये सारा प्रोविजन मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे ऑडिट में है, ठीक है ना, ऑडिट ऑफ आइटम्स में है यहां शेयर कैपिटल के अंदर। तो बकायदा मैंने क्या बोला, यहां क्या चाहिए तुमको? लॉ का नॉलेज चाहिए, प्योरली लॉ का नॉलेज चाहिए, ठीक है। मैंने तुमको शॉर्ट में लिखा दिया कि रिवाइज करने के लिए तुम्हारे लिए इजी हो, तुमको दोबारा से लॉ का मेटल उठाना ना पड़े। तो कंपनी इशू कर रही है शेयर अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को एट डिस्काउंट ऑब्लिक नॉन कैश फॉर प्रोवाइडिंग आईपीआर, नो हाउ, वैल्यू एडिशन, आईपीआर, याद है ना। कंडीशन क्या है? एसआर प्लस सेबी गाइडलाइंस, एसआर शैल स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस, एम्प्लॉयज ऑब्लिक डायरेक्टर्स, ठीक है। मतलब तुम देखोगे पूरा शेयर कैपिटल का चैप्टर रिवाइज हो गया, बस बायबैक छोड़ दिया इन्होंने यहां पे, वरना पूरा शेयर कैपिटल का चैप्टर रिवाइज हो ही जाता। फिर अगला टॉपिक है यहां पे शेयर कैपिटल में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कि अगर कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस कर रही है सेक्शन 66, तो एज ए ऑडिटर तुम क्या वेरीफाई करोगे? तो तुमको ये सोचना ही नहीं है एज ऑडिटर क्या वेरीफाई करेंगे, तुम तो ये सोचो लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। तुमको लॉ के रिक्वायरमेंट पता है तब तुमको क्या करना है? कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं साथ में, एग्जामिन, वेरीफाई, चेक, और फिर लिख देना है। अब याद करो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इसका क्या कॉन्सेप्ट था लॉ में, तुमको रिवाइज करा रहा हूं मैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल लॉ में जो था उसका क्या कॉन्सेप्ट था? तो शेयर कैपिटल के रिडक्शन का मतलब क्या था? कंपनी का फाइनेंशियल पोजिशन खराब है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब है भैया, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहा है, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहा है। अगेन या तो वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के स्कीम के तहत करा रहा होगा,
या शायद वो इंसॉल्वेंसी कोड के तहत करा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं अपने कैपिटल को रिड्यूस करा रहा है। क्या करा रहा है? कैपिटल को रिड्यूस करा रहा है। अब अगर कैपिटल को रिड्यूस करा रहा है तो उससे शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली क्या होने वाला है? इफेक्ट होने वाला है। जो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली क्या होने वाला है? इफेक्ट होने वाला है। तो क्या कंडीशन था? देखो मैंने तुमको क्या बोला, लॉ में एक बेसिक सिस्टम होता है। पहले तुम देखो कि भाई हमारे घर के जो नियम कानून है वो हमें परमिट करता है कि नहीं। तुम एक चीज बताओ, तुम कोई भी काम करते हो अपने घरों में, तुम मान लो क्लबिंग के लिए तुमको जाना है, सबसे पहले तुम क्या चेक करते हो? हमारा घर का नियम कानून हमें क्लबिंग जाने के लिए परमिट करता है कि नहीं करता? अब मान लो तुम्हारा घर का नियम कानून, अगर तुम्हारा घर का नियम कानून तुमको क्लबिंग जाने के लिए परमिट नहीं करता तो तुमको लॉ में देखने की जरूरत नहीं है, पहले घर के नियम कानून को अल्टर कराओ। जब घर के नियम कानून को अल्टर करा दोगे तब देखो लॉ परमिट करता है कि नहीं। अब लॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या क्लबिंग जाने के लिए? नहीं है। तो अगर तुम घर में सही करा दोगे तो तुम क्लबिंग जा सकते हो, वहां पे कोई इशू नहीं है। लेकिन तुमको किसी का मर्डर करना है, क्या करना है? किसी का मर्डर, तो जो घर का नियम कानून होगा मान लो अलाउ करता है, तब भी कर सकते हो क्या? नहीं। तो आर्टिकल्स में लिखा भी होना चाहिए और वो लॉ के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो यहां भी सेम चीज है, पहले देखो कि भाई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में आर्टिकल्स में लिखा है कि नहीं। अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो पहले क्या करो, ऑल्टर करो। याद करो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स के लिए सेक्शन था सेक्शन 14। सेक्शन 14 के हिसाब से तुम आर्टिकल्स को ऑल्टर करते थे। लॉ इज ऑल अबाउट सिक्वेंसिंग। तो याद करो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स के लिए वहां पे सेक्शन था सेक्शन 14। तो तुम क्या करते थे? आर्टिकल्स को ऑल्टर करते थे। उसके लिए तुमको पास करना पड़ता था SR और फिर सेक्शन 117। सेक्शन 117 तुम SR, जो तुमने SR पास करा उसका कॉपी ROC को फाइल करते थे। यही होता था ना। और फिर तुमको क्या करना है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में? अब यहां पे ये जो मैटर है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। दिस इज ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। तो यहां पे सिर्फ घर वालों का अप्रूवल लेके काम नहीं चलेगा, क्योंकि लॉजिकली सोचो जब तुम कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो तो काफी सारे क्रेडिटर्स वगैरह का इंटरेस्ट भी क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा। तो प्रैक्टिकली तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ घर वालों से पूछ के काम नहीं चलेगा, तुमको यहाँ पे कंपनी का जो माई बाप है NCLT उससे अप्रूवल लेना होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि लॉ में ना एक सुपर हीरो अथॉरिटी है, मतलब शक्तिमान बोल लो तुम, सुपर हीरो बोल लो, जो तुमको पसंद है, NCLT। ठीक है? तो यहां पे तुमको शक्तिमान से क्या करना होगा, अप्रूवल लेना होगा, NCLT का अप्रूवल लेना होगा। यही सारा सिस्टम था। तो बेसिकली शेयर कैपिटल रिड्यूस करने का कंडीशन क्या क्या था? आर्टिकल ऑर्डर करो, जनरल मीटिंग बुलाओ, SR पास करो, SR का कॉपी ROC को फाइल करो, NCLT का अप्रूवल लो, NCLT का भी जो अप्रूवल आएगा, NCLT का जो ऑर्डर आएगा उसका कॉपी भी ROC को फाइल करो। ये सारा था। और एक कंडीशन बेसिक था रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में, प्री रिक्विजिट, कि कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल तभी कर सकता है अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स के रिपेमेंट में कहीं कोई डिफॉल्ट ना किया हो। अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स के रिपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट किया है इन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर ही नहीं सकता। याद आया? तो ये सारी चीजें थी। फिर रिडक्शन की वजह से क्या होता था, एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता था। याद है? रिडक्शन की वजह से क्या होगा, एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी, एसेट्स को रीवैल्यू करेगी और फिर रीवैल्यू करके जर्नल इंटरेस्ट पास करेगी, फिर नया बैलेंस शीट बनेगा। अब याद करो रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो बैलेंस शीट बनता था, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बाद जो बैलेंस शीट बनता था, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लॉ में दो शब्द दिए हुए थे कि बैलेंस शीट में आप लिखते थे आगे कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड। तो जब सामने वाला देखेगा एंड रिड्यूस्ड लिखा हुआ है तो उनको समझ आ जाएगा कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ हुआ है। ठीक है? तो देखो भाई अभी लॉ में पढ़ाने जाऊं तो कम से कम 30-40-45 मिनट का पार्ट है, 1 घंटे का पार्ट है। अभी तो बस मैंने शॉर्ट में तुमको समराइज करा दिया क्योंकि ऑडिट के लिए चाहिए। तो आई बिलीव याद आ गया। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी? नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, ऑल्टर AOA। अब तुम ज्ञान देना चाहते हो तो लिखो ना ऑल्टर AOA एज पर सेक्शन 14। कन्विन जनरल मीटिंग पास स्पेशल रिजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ NCLT,
फाइल कॉपी ऑफ रिवैल्युएशन टू आरओसी, सॉरी फाइल कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन टू आरओसी, फाइल कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन टू आरओसी, वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड शुड बी एडेड. बात मत करो भाई, वरना फिर मैं काम करता हूं ना, मैं बोल दूंगा ये लॉ वाला पार्ट है घर से कर लेना. वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड शुड बी एडेड एट द एंड ऑफ कंपनीज नेम इन बैलेंस शीट. लेकिन कंपनी जब अब जब ट्रिब्यूनल ऑथराइज करता है तो ट्रिब्यूनल कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है, तो वो सारे रेस्ट्रिक्शन भी फॉलो करना पड़ेगा. जब तुम्हारे मम्मी पापा क्लबिंग के लिए अलाउ नहीं करते, तुम जाके दादाजी से परमिशन लेते हो, तो दादाजी अलाउ तो कर देते हैं बट कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बेटा 12 बजे तक घर आ जाना, तो उसका भी ध्यान रखना होता है. फिर अगर एसेट्स का रिवैल्युएशन हुआ है तो डिस्क्लोज करो वेदर प्रॉपरली डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट एंड पास अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज, पास अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज. और एज ए ऑडिटर जब मुझे मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग पूछा जाएगा तो मैं यही सारे पॉइंट्स लिखूंगा, खाली मैं वर्ड्स यूज करूंगा साथ में वाउच, वेरीफाई, एग्जामिन, कंफर्म, कि एग्जामिन कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, है ना, एग्जामिन कहीं आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन हुआ कि नहीं, वेरीफाई कि जनरल मीटिंग पास हुआ कि नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं, कंफर्म कि एनसीएलटी का अप्रूवल लिया कि नहीं. तो उस तरीके से वो वर्ड यूज करके तुमको क्या करना है, आंसर बना देना है. और लॉ में तो जितने सेक्शन नंबर्स के साथ खेलोगे उतना मजा है, कि किस तरीके से तुम सेक्शन नंबर के साथ खेल सकते हो. सेक्शन नंबर 14 आया तो कैसे तुम सेक्शन 117 को साथ में कोरिलेट कर दो, कैसे सेक्शन 102 के साथ कोरिलेट कर दो, क्योंकि सेक्शन 102 क्या करता है, ओआर क्या है, एसआर क्या है, डिस्क्राइब करता है. तो एकदम इजी है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल. और फाइनली आता है पी एंड डी, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, कि शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में किन चीजों का ध्यान रखना है. अब देखो वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर दिया हुआ है, घर में रीड कर लेना भक्ति भावना के हिसाब से. जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तुमको साथ में लिखा रहा हूं मैं, जो इजिली याद भी हो जाएगा, कि भाई शेयर कैपिटल में तुमको प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर चेक करना है तो याद करो शेड्यूल 3 मोटा मोटी रूप में शेयर कैपिटल को लेकर कंपनी क्या क्या डिस्क्लोज करेगा. हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, हमारा इश्यूड शेयर कैपिटल क्या है, फेस वैल्यू पर शेयर क्या है, ये तो सिंपल है. इंपॉर्टेंट क्या है चौथा वाला पॉइंट, कि हमारे कंपनी में कौन कौन शेयर होल्ड कर रहा है, हमारा होल्डिंग कंपनी हमारे ऊपर कितना शेयर होल्ड करके बैठा है. हमारा मान लो होल्डिंग कंपनी का कोई सब्सी है, होल्डिंग का कोई सब्सी है जो कि मेरा सब्सी होल्डिंग है, वो मेरे ऊपर कितना शेयर होल्ड कर रहा है, या मेरे होल्डिंग कंपनी का कोई एसोसिएट है अगर वो भी मेरे ऊपर शेयर होल्ड कर रहा है तो कितना होल्ड कर रहा है. ये सारी चीजें, कि जो मेरे ऊपर है होल्डिंग वो मेरे ऊपर कितना शेयर होल्ड कर रहा है, उसके भी जो ऊपर है इंटरमीडिएट होल्डिंग वो उसके ऊपर कितना शेयर होल्ड कर रहा है, होल्डिंग का कोई दूसरा सबसी है वो मेरे ऊपर कितना शेयर होल्ड कर रहा है, होल्डिंग का कोई दूसरा एसोसिएट है वो मेरे ऊपर कितना शेयर होल्ड कर रहा है, सब कुछ बताओ. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जिससे अलग से क्वेश्चन भी आया था करेक्ट इनकरेक्ट का, कि कोई भी मेजर शेयर होल्डर अगर मेरी कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, कोई भी शेयर होल्डर अगर मेरी कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, उसके बारे में अलग से बताऊं, कि हमारी कंपनी में ये जो भाई साहब हैं ये 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं. जैसे रिलायंस जो है वो क्या करेगा, अपने बैलेंस शीट में अलग से बताएगा कि मुकेश अंबानी भाई साहब हमारी कंपनी में 49% शेयर होल्ड करते हैं, जो कि 5% से ज्यादा है. फिर वहां पे दिया हुआ है पिछले 5 साल का. अब देखो प्रैक्टिकली तुमको बताऊं, ये सारा भी याद नहीं होगा, एक बार बस रीड करना है एग्जाम से पहले, फिर एक बार रिवाइज कर लेना है. ठीक है, मैंने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कंडेंस कर दिया. पिछले पांच साल में प्रीसीडिंग 5 ईयर्स में हमारी कंपनी ने कितने शेयर नॉन कैश के हिसाब से इशू किया था, कितने शेयर फुल्ली पेड अप बोनस के हिसाब से इशू किया था, कितना शेयर बाईबैक किया था, कितना शेयर हमने बाईबैक किया है. तो पिछले 5 साल का एक इंफॉर्मेशन देना होता है कि पिछले 5 साल में हमने कितने नॉन कैश शेयर इशू करे हैं, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कितना इशू करा है,
और कितने शेयर को हमने बाईबैक किया है। फिर जो भी अनपेड कॉल्स है उसके बारे में बता दो, तुमने कुछ शेयर फॉरफिट किया है तो उसके बारे में बता दो, प्रमोटर की क्या शेयर होल्डिंग है तुम्हारे ऊपर उसके बारे में बता दो, प्रमोटर की क्या शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर तो उसके बारे में बता दो। ठीक है, शेयर कैपिटल तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है, इसलिए मैं इतना ज्यादा इंफोसिस कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये जनरल डिस्क्लोजर्स हैं, ये जनरल डिस्क्लोजर्स हैं कि तुम्हारे बैलेंस शीट में क्या क्या डिस्क्लोज करोगे तुम शेयर कैपिटल के बारे में, क्या क्या करोगे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू। अगर मेरी कंपनी है तो मेरी होल्डिंग ने मेरे ऊपर कितना शेयर होल्ड किया, अगर होल्डिंग की भी कोई होल्डिंग है मतलब मैं हूं तो मेरे फादर का मेरे ऊपर कितना स्टेक है, मेरे ग्रैंड फादर का मेरे ऊपर कितना स्टेक है, फादर का कोई दूसरा बेटा है जो कि मेरा बड़ा भाई है तो उसका मेरे ऊपर कितना स्टेक है, फादर की कोई दूसरी बहन है जो कि मेरी बड़ी बहन है तो उसका मेरे ऊपर कितना स्टेक है, वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, सॉरी बेटी, शेयर्स हेड बाय शेयर होल्डर, कोई भी मेजर शेयर होल्डर जो मेरी कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, प्रिसीडिंग 5 years में, पिछले 5 सालों में हमारी कंपनी ने कितने, याद है कारों में भी इसके ऊपर पॉइंट आया था कि ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर किया है क्या डायरेक्टर के साथ, तो मैंने तुमको बताया था कि ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि अगर कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर किया है डायरेक्टर के साथ तो सेक्शन 192 कंप्लाई हुआ कि नहीं। तो यहां पे क्या डिस्क्लोज करना है, पिछले 5 साल में हमारी कंपनी ने कितने नॉन कैश ट्रांजैक्शन इशू करे, कितना फुल्ली पेड बोनस शेयर की तरह इशू करा और कितना शेयर हमने बायबैक किया, हमारे अनपेड कॉल्स कितने हैं, हमारे प्रमोटर्स के फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग हमारे कंपनी में कितनी है, और प्लस अगर कोई चेंज हुआ इन प्रमोटर शेयर होल्डिंग, प्लस अगर कोई चेंज हुआ इन प्रमोटर शेयर होल्डिंग तो उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, अब देखना यहां एक पार्टिकुलर टॉपिक जो मैं तुमको मार्क करा रहा हूं, जो तुमको शेयर कैपिटल में अलग से स्टडी मटेरियल से पढ़ना है पूरा, बाकी सारा कुछ हमारे मैंने तुमको साथ साथ नोट्स कराया है, सिर्फ ये टॉपिक तुमको अलग से स्टडी मैट में पढ़ना है, नॉट फ्रॉम आर बुक, फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। ठीक है, ये पार्टिकुलर टॉपिक जो नया नया इंसर्ट हुआ है, हमारे बुक में भी नहीं है बिकॉज मुझे प्राइमा फेस से देखने में लगा कि यार वो पूरा टॉपिक ना सेम ही है एज इट इज, तो मैंने ओल्ड वाला रख लिया, लेकिन फिर अच्छे से देख के पता चला कि नहीं, नए स्टडी मैट में इन्होंने एक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट ऐड करी है, एडिशनल डिस्क्लोजर, यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम। इसलिए मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी बन सकता है, यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम एडिशनल डिस्क्लोजर। याद करो, अब देखना मैंने एक रेफरेंस दिया, रेफरेंस क्यों दिया है, अगर तुमको वो रेफरेंस याद आ गया ना तो तुम पूरा डिस्क्लोजर लिख दोगे। याद करो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट का तुमने चैप्टर किया था, उसमें हमने जब सेक्शन 143 पढ़ा था, सेक्शन 143 में याद है पहले तो मैटर्स टू बी रिपोर्टेड एबीसीडी, और फिर उसके बाद हमने रूल 11 में 6 पॉइंट्स पढ़े थे, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट आता था तुमको अगर याद होगा, उसमें हमने फॉर्मूला बनाया था डीपी मैट, डीपी मैड, कि दीपिका पादुकोण को देखकर सब मैड हो गए, दीपिका पादुकोण को देखकर सब मैड हो गए, और एम से एक पॉइंट था मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, एम से एक पॉइंट था मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, काफी टेक्निकल पॉइंट था, बहुत अच्छे से विथ एग्जांपल्स ड्राइंग बना के मैंने तुमको समझाया था, वो ड्राइंग मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है, तुम्हारे पास बनाया हुआ होगा, कि याद करो मैंने तुमको समझाया था वहां पे कि अब ऑडिटर WR लेता है किस चीज के बारे में, कि मान लो कंपनी क्या कर रही है, सिचुएशन याद करो कंपनी क्या कर रही है, तुमको एक ऐसा ड्राइंग बना के बताया था मैंने, कि मान लो एक कंपनी है एबीसी, उसका एक इंटरमीडियरी है, उसका एक कंपनी क्या कर रही है एबीसी, एक इंटरमीडियरी है नाम मान लो DEF, एक दूसरी कंपनी एक्स वाई जेड, अब कंपनी को क्या करना है, एक्स वाई जेड को पैसा देना है, कंपनी को क्या करना है, एक्स वाई जेड को पैसा देना है, बट या कंपनी को क्या करना है, एक्स वाई जेड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, बट कंपनी क्या कर रही है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग द मनी टू एक्स वाई जेड या इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन एक्स वाई जेड, कंपनी क्या कर रही है, ये जो लोन दे रही है या जो इन्वेस्टमेंट कर रही है
इस फलाने इंटरमीडियरी में कर रही है डीएफ में, और डीएफ के साथ एक कंडीशन लगा रही है विद द कंडीशन कि आगे चलकर ये जो इंटरमीडियरी है ये क्या करेगा, ये लोन इन्वेस्टमेंट एक्स वाई जेड में करेगा। तो कंपनी ने क्या किया, इनडायरेक्ट वे में एक्स वाई जेड को लोन पास किया। कंपनी ने एक इंटरमीडियरी को लोन दिया, कंपनी ने क्या किया इंटरमीडियरी को लोन दिया, और इंटरमीडियरी को लोन देकर कंपनी ने क्या करा, एक कंडीशन लगाया कि आपको ये लोन दे रहे हैं मगर किस पर्पस से, कि आपको इस फंड्स को आगे कहां रूट करना है एक्स वाई जेड को, या आपको ये इन्वेस्टमेंट्स आगे कहां करनी है एक्स वाई जेड में, याद है। तो मैंने तुमको बताया था एक होती है मेन कंपनी, एक होती है बेनिफिशियरी, एक होती है वहां पे इंटरमीडियरी कंपनी। सिमिलरली एक और सिचुएशन बनाया था कि कंपनी हो सकता है कहीं और से पैसा रिसीव कर रही है, कंपनी पैसा कहीं और से रिसीव कर रही है, मैं जिस क्लाइंट को ऑडिट कर रहा हूं वो कंपनी किसी कहीं और से पैसा रिसीव कर रही है विद द अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी वो पैसा आगे पास ऑन करे। तो एज ए ऑडिटर हमने 143 सबसेक्शन 3 में पढ़ा था कि ऑडिटर डब्ल्यू आर लेगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेगा, कि अगर इस प्रकार के कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोन्स हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने उस वक्त भी बताया था कि कंपनी इस प्रकार से जो एक्स वाई जेड को फंडिंग कर रही है, इनडायरेक्टली पैसा पास ऑन कर रही है, ये गलत नहीं है अगर कंपनी ने इसके बारे में नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रखा है। लेकिन अगर कंपनी ने इस चीज के बारे में नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को शक होता है कि कंपनी शायद यहां पे, इसका एक रीजन क्या हो सकता है कि कंपनी शायद यहां पे फेमा के लॉस को वायलेट करना चाह रही है, और कंपनी शायद यहां पे फेमा के, तो नॉर्मली वही होता है एक फॉरेन इंटरमीडियरी के थ्रू सेटिंग किया जाता है, ठीक है। तो कंपनी शायद वहां पे क्या कर रही है, फेमा के बाई लॉस को पास कर रही है, फेमा को वायलेट कर रही है। तो एज ए ऑडिटर मुझे वहां क्या करना पड़ता था, 143 सबसेक्शन 3 में कंपनी से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता था कि आपने बकायदा ऐसा कुछ भी इनडायरेक्ट वे में लोन दिया है, फंड किया है, तो आपने उसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर रखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम जो भी आपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर रखा है, आपने उसके अलावा ऐसा कोई भी इनडायरेक्टली फंड वगैरह ना दिया है ना लिया है, याद आया। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो जाकर 143 का जो लेक्चर था, रूल 11 का जो लेक्चर था, आज एक बार दोबारा से देख लेना, वो सिचुएशन को एक बार समझ लेना, ठीक है। अब एग्जैक्टली यही वाला, अब वो जो पॉइंट था वो ऑडिटर के लिए था, वो ऑडिटर के लिए था, क्या था कि ऑडिटर ने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना है कि कंपनी ने ऐसा कुछ भी अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ लोन वगैरह दिया है तो उसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया है। इसका मतलब वो क्या है, शेयर कैपिटल का एडिशनल डिस्क्लोजर, वो क्या है, शेयर कैपिटल का एडिशनल डिस्क्लोजर। तो उसी एडिशनल डिस्क्लोजर का बात स्टडी मॉड्यूल में किया, इसी एडिशनल डिस्क्लोजर का बात वहां पे स्टडी मैट में किया, देखना एक बार। आज देखो ये शेयर कैपिटल ना थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था, बोल के मतलब ना इसके अंदर मैंने टाइम थोड़ा लगाकर डिटेल में कराया है और बेस बनाना था इस चैप्टर का। अब इसके बाद जो आसान टॉपिक्स आएंगे ना वहां पे मैं फास्ट भी जाने वाला हूँ और काफी जगह होमवर्क भी देने वाला हूँ कि ये आसान है, कॉमन टेक्निक लगा लेना, दो तीन पॉइंट याद कर लेना। अब देखना एडिशनल डिस्क्लोजर, टू बी डिस्क्लोज्ड एज एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, टू बी डिस्क्लोज्ड एज एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। तो डिस्क्लोजर वाले पार्ट में ना जो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है, एक तो वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था 5% शेयर होल्डिंग वाला, और एक ही एडिशनल डिस्क्लोजर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो वही वाला चीज है एग्जैक्टली, वेयर द कंपनी हैज एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड फंड्स टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज, तुमको याद आ गया होगा वो सेम लैंग्वेज, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द इंटरमीडियरी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड और इन्वेस्ट इन अदर पर्सन और एंटिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। मतलब वहां पे कंपनी जो लोन दे रही है वो अलग है, एक इंटरमीडियरी है बीच में, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई और है। तो कंपनी को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए हमने कितना फंड दिया, कितना इन्वेस्टमेंट करी, हमारा इंटरमीडियरी कौन है,
हमारा अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, और हमें यह बताना चाहिए। अब देखो कंपनी ऐसा जो ट्रांजैक्शन कर रही है ना, इसमें सबसे बड़ा शक क्या है कि कंपनी जो ऐसा ट्रांजैक्शन कर रही है, जो रीरूटिंग ऑफ फंड्स कर रही है, जो इंटरमीडिएटरी के भैया पैसा घुमा रही है, तो सबसे बड़ा शक हमारे माइंड में आता है कि कंपनी शायद फेमा एक्ट को वायलेट कर रही होगी या मनी लॉन्ड्रिंग कर रही होगी। सबसे बड़ा शक तुम्हारे दिमाग में यही आता है कि कंपनी या तो फेमा एक्ट को वायलेट कर रही होगी या मनी लॉन्ड्रिंग कर रही होगी। तो कंपनी को साथ में यह भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने फेमा प्रोविजंस को कंप्लाई किया है और हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। तो कंपनी को साथ में यह भी डिस्क्लोज करना है कि हमने क्या किया है, फेमा के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है और हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। सिमिलरली याद है ना तुमको, वहां पे दो पॉइंट था, पहला जहां कंपनी ने दिया, दूसरा जहां कंपनी ने लिया। तो यहां भी सेम चीज है, पहला डिस्क्लोजर था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी ने दिया, और दूसरा डिस्क्लोजर जो है वो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी ने लिया, कि कंपनी ने किसी और से फंड्स लिए, एक फंडिंग पार्टी से फंड लिए। तो अब तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अब तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो फंडिंग पार्टी ने तुमको फंड दिया उसके साथ अगर तुम्हारी कोई अंडरस्टैंडिंग है कि तुम पैसा कहीं और दोगे उसके बारे में बताओ, रिसीव फंडिंग पार्टी कौन है उसके बारे में बताओ, क्या डेट है, क्या अमाउंट है उसके बारे में बताओ, और डिक्लेरेशन दो कि हमने फेमा को वायलेट नहीं किया है, फेमा कंप्लाई किया है और हमने किसी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है। तो ये एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है यहां पे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है इस वाले एरिया में तो आज जाते ही सबसे पहले 143 सबसेक्शन 3, क्योंकि वो वाला टॉपिक मैंने आधा घंटा लगा के पढ़ाया था, तो 143 सबसेक्शन 3 रूल 11, उसके अंदर वो एम वाला पॉइंट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट, एक बार जाकर देख लेना उस क्लास को, वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। क्लियर है? तो ये है हमारा डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द शेयर कैपिटल। बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा एरिया था, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये हैवी हो गया इसलिए अगला वाला टॉपिक इंस्टीट्यूट ने बहुत हल्का दिया, एकदम इजी दिया, एकदम आसान दिया, बहुत हल्का दिया। ये एकदम सिंपल है, नहीं नहीं कल नहीं होगा, ये 10-15 मिनट का ही टॉपिक है। देखो यार कोर्स भी खत्म करना है, ये एकदम मतलब ये एकदम बैलेंस बना के लाया हूं मैं कि टॉपिक वन मजेदार धमाकेदार, ठीक है, और टॉपिक टू जो है एकदम आसान। ठीक है, वो भी आज पूरा नहीं कर रहे, इंट्रोडक्शन ले रहे, कंप्लीट कल ही करेंगे। अब देखना आइटम टू किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस, किसके बारे में बात कर रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब याद रखना रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंड एएस में अदर इक्विटी बोला जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंड एएस में क्या बोला जाता है, अदर इक्विटी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में ये इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या पता कल को इंस्टीट्यूट टाइम पास कर दे तुम्हारे साथ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अदर इक्विटी। तुम बोलोगे अदर इक्विटी क्या होता है भाई, तो दिस इज नथिंग बट रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखो कुछ बेसिक अकाउंटिंग बातें, स्टार्टिंग में कुछ बेसिक अकाउंटिंग बातें, मैं चाहूं तो ये बोल सकता हूं अकाउंट्स में किया, बट ठीक है एक ब्रशअप हो जाना चाहिए। कुछ बेसिक अकाउंटिंग बातें, प्रोविजन एंड रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है भाई, ये तो तुम लोग बताओगे, मुझे कुछ भी नहीं आता। प्रोविजन एंड रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, प्रोविजन का बेसिक मतलब क्या होता है, रिजर्व का बेसिक मतलब क्या होता है? तो प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और रिजर्व का मतलब है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और अगर किसी बच्चे को ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है, उसको डाउट है, तो यू नीड टू सीरियसली गो एंड टॉक टू योर अकाउंटिंग टीचर, ठीक है? और सिर्फ उस अकाउंटिंग टीचर से बात नहीं करना है जिसने जिसने तुम्हें सीए में पढ़ाया है, जाके तुमको फिर उस अकाउंटिंग टीचर से भी बात करना है जिसने तुम्हें ट्वेल्थ में पढ़ाया है। तो प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, कि प्रोविजन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। कि फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तुम क्या करते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ऐसा खर्चा दिखाते हो, उससे तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन रिजर्व क्या होता है, कि प्रॉफिट में से बंटवारा, कि प्रॉफिट से ही तुम अलग करते हो, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर, तुम प्रॉफिट से ही अलग करते हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रोविजन तुम क्यों बनाते हो, क्योंकि प्रोविजन बनाना मैंडेटरी होता है,
प्रोविजन बनाना मैंडेटरी होता है। और रिजर्व नॉर्मली तुम कब बनाते हो? रिजर्व में डिपेंड, दो तरीके का रिजर्व होता है। कुछ रिजर्व बनाना मैंडेटरी भी होता है, जैसे कि CRR, और कुछ रिजर्व तुम सिर्फ तब बनाते हो जब तुम सरप्लस में हो, जब तुम प्रॉफिट्स में हो। तो इट डिपेंड्स। प्रोविजन का पर्पस क्या था? एदर टू मीट सम लायबिलिटी, तुम एक प्रोविजन बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को पता है कि मेरे ऊपर एक केस चल रहा है, मैं कल को हार सकता हूं। टू मीट दैट अनसर्टेन लायबिलिटी, वो प्रोविजन बनाता है प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और एक होता है टू डिमिनिश वैल्यू ऑफ एसेट, एक ऑब्जेक्टिव होता है वैल्यू ऑफ एसेट को डिमिनिश करना। जैसे तुमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया, तो उससे क्या हो रहा है? एसेट का वैल्यू डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये प्रोविजन का पर्पस था। और रिजर्व का पर्पस क्या था? एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व की बात करें तो उसका पर्पस था डिविडेंड डिक्लेयर करना, एक्सपेंशन में यूज हो सकता है, किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है। और CRR की बात करें तो वो एक स्टैचुअरी रिक्वायरमेंट है। तो एग्जाम में कल को इंस्टीट्यूट 2 नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, प्रोविजन वर्सेस रिजर्व में क्या डिफरेंस है, या 1 मार्क का करेक्ट इनकरेक्ट भी पूछ सकता है, रिजर्व मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, करेक्ट ऑब्लिक इनकरेक्ट। तुम पूछोगे अकाउंट ऑडिट में कैसे आ गया, बट अगेन आ सकता है, ठीक है। फिर रिजर्व्स का मतलब क्या था? अगर रिजर्व्स की बात करें, कितने प्रकार के रिजर्व थे? अभी तुमको बेसिक अकाउंटिंग की चीज बता रहा हूं, मतलब कुछ दिमाग लगाने का ही नहीं। मुझे पता था कि भाई वो शेयर कैपिटल के टॉपिक के बाद दिमाग हैंग मारने लगेगा, बोल के मैंने वो स्टार्टिंग में एकदम वो इजी वाला टॉपिक रख के रखा है अभी। तो रिजर्व का अगर टाइप्स बताएं तो कौन से टाइप्स होंगे? रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या था? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या था? नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्पेसिफाइड यूजेज होता है। जैसे कैपिटल रिजर्व की बात करें तो उसका भी स्पेसिफाइड पर्पस दिया कंपनी लॉ में, कि फिक्स्चर्स एसेट्स को राइट डाउन करने के लिए यूज कर सकते हो, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, बोनस इशू के लिए यूज कर सकते हो। अगर CRR की बात करें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो उसका स्पेसिफाइड पर्पस दिया सेक्शन 55 में ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें तो उसका स्पेसिफाइड पर्पस दिया सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट में। तो जनरल क्वेश्चन है, मॉड्यूल में दिया है, पता होना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए, राइट। अब ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि तुम लॉ में भी पढ़ते हो, तुम अकाउंट में भी पढ़ते हो। तुमने लॉ में भी पढ़ा है, तुमने अकाउंट में भी पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसको ये चीजें नहीं आती होंगी। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और कैपिटल रिजर्व का मतलब नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में दे दिया मैंने कि कैपिटल रिजर्व की अगर बात करें तो लॉ में उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, कि फिक्स्चर्स एसेट को राइट डाउन करने के लिए यूज कर सकते हो, लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर CRR की बात करें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, याद है ना सेक्शन 55। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें तो सेक्शन 52, सेक्शन 55 है CRR का, जाके देखना, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब इसका ऑडिट प्रोसीजर भी एकदम आसान है, 4 पॉइंट दिया हुआ है और कुछ नया नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई, वापस से ECV। ECV का मतलब क्या हो गया? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। फिर से सोचो, वापस से वो सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। पहला पॉइंट, टैली ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम पॉइंट, कुछ नया नहीं है। अब रिजर्व सरप्लस में, अब तुम बताओ, अब रिजर्व सरप्लस के लिए तुम वर्ड, अब यहां पे तुम वर्ड यूज करोगे, अब यहां पे तुम चेंज यूज नहीं करोगे, नॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज यूज नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट सेम है। या तो रिजर्व सरप्लस ऐड हुआ या यूटिलाइज हुआ कहीं, या तो तुमने रिजर्व सरप्लस इंक्रीज करा, ऐड हुआ, या तो ऐड करा, या तो वो कहीं यूटिलाइज हुआ इसलिए वो कम हो गया। तो या तो वो ऐड, या तो वो ऐड हुआ रहेगा पूरे साल भर में, या तो वो कहीं यूटिलाइज होके कम हो गया होगा। डिफरेंस समझ पा रहे हो? खाली तो एडिशन ऑब्लिक यूटिलाइजेशन इन P&L चेक करोगे। तो एज अ ऑडिटर तुमको क्या करना है? उस मूवमेंट को ट्रेस करना है, उस मूवमेंट को ट्रेस करना है, P&L से मैच करना है कि रिजर्व सरप्लस कहां कहां ऐड हुआ, किस किस चीज में यूटिलाइज हुआ। कि फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व का फिगर 1 करोड़ था, अब 50 लाख है, तो भैया 50 लाख कहां गया?
सिक्योरिटीज प्रीमियम का फिगर, मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम का फिगर 50 लाख था, अब 20 लाख है, तो 30 लाख कहां गया? और वो जो 30 लाख यूज हुआ वो उन्हीं चीजों में यूज हुआ ना जो सेक्शन 52 में दिया गया है, उसके अलावा तो कहीं यूज नहीं हो गया। अब एग्जांपल दिए, एडिशन यूटिलाइजेशन का ही एग्जांपल दिया है कि मान लो रिजर्व इसलिए कम हुआ क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। रिजर्व क्यों कम हुआ? क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो बोर्ड रिजोल्यूशन चेक करो, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ था कि नहीं डिविडेंड के लिए, चेक द बोर्ड रिजोल्यूशन। अब तुम चाहो तो इस आंसर को और बेहतर बना सकते हो, चेक द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 123। फिर अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इश्यू करा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कुछ पैसे यूज करे हैं, तो वेरीफाई शेयर प्रीमियम। और जब मैं वेरीफाई करूं, जब मैं बोल रहा हूं वेरीफाई शेयर प्रीमियम, तो वही सेक्शन 52 वाली बात है, सेम रिपीट होनी है, खत्म, बस खत्म। रिजर्व सरप्लस का ऑडिट प्रोसीजर खत्म, इतना ही है। इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में भी 4 ही पॉइंट दिए, ठीक है? तो एकदम इजी है, टैली ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व सरप्लस टू प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर यहां भी सेम एडिशन, यूटिलाइजेशन, इन पी एंड एल बैलेंस, तो ट्रेस करोगे मूवमेंट, ट्रेस करोगे मूवमेंट। डिविडेंड का पेमेंट हुआ तो चेक बोर्ड रिजोल्यूशन, और शेयर प्रीमियम की बात करें तो सेक्शन 52। लेकिन ध्यान के, अब यहां पे होता क्या है, अगर पॉइंट 11-12 दिया ना इंस्टीट्यूट ने, तब वहां पे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया, तुम 7-8 पॉइंट अगर लिख दोगे चल जाएगा। वो 7-8 में से भी 6 पॉइंट बुक वाले लिख दोगे, 2 पॉइंट बना के लिख दोगे जो वैलिड है, करेक्ट है, चल जाएगा। लेकिन मॉड्यूल में ही 4 पॉइंट दिए और 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया, अब यहां तुम्हारे एग्जैक्ट पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि दिखता है ना सामने 4 ही पॉइंट है। ये फर्क होता है कि कोई टॉपिक है जिसमें तुमने देखा पॉइंट्स भर भर के दिया हुआ, तो तुम कोई भी 6-7 याद कर लो, 2-3 कॉमन सेंस से भी सही लिख दोगे तो तुमको 4 में से 3 मोटा मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन सही है तो। लेकिन पॉइंट ही 2 है 3 है 4 है तो तुमको एग्जैक्टली ही याद करना पड़ेगा। तो पॉइंट सिंपल है, यहां पर ऐसा कुछ है भी नहीं। और फिर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, इसका पी एंड डी भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। तुम क्या डिस्क्लोज करोगे, प्रॉपर क्लासिफाई किया कि नहीं रिजर्व को, CRR, CR, कैपिटल रिजर्व, CRR, DRR, रिवैल्युएशन रिजर्व, अदर रिजर्व, ये तो एकदम सिंपल है, जनरल रिजर्व, रिवैल्युएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, प्रॉपरली क्लासिफाई किया है कि नहीं। अगर अब यहाँ पे खाली तुमको जो लास्ट के 2 पॉइंट है उसको याद रखना है, बाकी तो एकदम सिंपल है, खाली लास्ट के 2 पॉइंट याद रखना है। अगर तुमने रिजर्व में से कुछ पैसा ईयर मार्क करके रखा है फॉर स्पेसिफाइड पर्पज, उसको बोलते हैं ईयर मार्क्ड फंड्स, तो ईयर मार्क्ड फंड्स को अलग से डिस्क्लोज करोगे। और अगर तुम्हारे पी एंड एल में नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो उसे भी तुम सरप्लस के हेड में शो करोगे एज नेगेटिव फिगर, ठीक है? उसे भी तुम सरप्लस में शो करोगे एज नेगेटिव फिगर, तो एकदम सिंपल है, क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल। तो बस हो गया, रिजर्व सरप्लस में इतना याद करना है, रिजर्व सरप्लस में कुछ भी नहीं है। आइटम नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है? अब एक चीज बताना, इस पार्टिकुलर चैप्टर का वॉइस नोट तुमको कैसे चाहिए, चैप्टर का कंसोलिडेटेड या फिर एक इस तरीके से आइटम वाइज, कि 2 आइटम के एक साथ, ठीक है ना? मजा आया कि नहीं? ठीक है, तो क्या करें, रिवाइज आज करें वॉइस नोट के लिए या कल? चलो ठीक है, बढ़िया से एकदम अच्छे से रिवाइज करके आना। देखो सुनो, अब मजे की बात क्या है इस चैप्टर में, अब इस चैप्टर के अंदर अच्छा चीज क्या है, नॉर्मली कोई दूसरा चैप्टर होता, बात मत करो भाई, नॉर्मली कोई दूसरा चैप्टर होता तो आज मैंने अलग कॉन्सेप्ट समझाया, कल मैं तुमको फिर कोई अलग कॉन्सेप्ट समझाता। लेकिन अब इस चैप्टर में अपना 2 सेशन और लगेगा, कल और परसों, ठीक है? अब दोनों सेशन में मैं जिस भी आइटम को उठा लूं, मैं यही सेम बात करने वाला हूं, कंप्लीटनेस, ऑकरेंस, वैल्यूएशन, कॉमन पॉइंट याद करो, कॉमन पॉइंट से क्या डाल सकते हो,
कॉमन सेंस से क्या डाल सकते हो, कोई लॉ का एप्लीकेशन है क्या? अब किसी ने अगर अभी अभी शेयर कैपिटल का चैप्टर किया रहेगा तो उसके लिए तो बहुत इजी होगा। तो रिवाइज करके आना बढ़िया से।